So you put it in a little more rhyming way. Matter is in the way to spirit. जो भी भौतिक है उसको आपको फेंक देना है, उसको आपको छोड़ देना है. या नो नो, मैटर इज इन द वे टू द स्पिरिट. जो रास्ते में बीच में आ रहा है वो तो ऑब्स्टेकल है, उसको आपको निकाल देना है. पर ये क्या है, मैटर इज द वे टू स्पिरिट. तो एक शब्द से कितना फर्क पड़ जाता है इन एक शब्द से. तो क्या है, ये दो अलग अलग मार्ग है. पर अब ये दोनों मार्ग जो है शास्त्रों में कुछ हद तक इसके बारे में, दोनों मार्गों के बारे में बताया है. तो जो जो वेदांत है वह जो काफी अद्वैत वेदांत हम सब जानते हैं, वो काफी शंकराचार्य के कारण बहुत रिस्पेक्टेड हो गया. और उसमें क्या भाव है, आपको संन्यास लिए बिना आप कुछ नहीं कर सकते. संन्यास ये बहुत जरूरी है आध्यात्मिक प्रगति के लिए. तो अभी तंत्र जो है उसमें भी टू मेन कैटेगरीज है, उसको लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड कहते हैं. तो मतलब क्या है, इसमें अभी प्रधान फर्क जो है इसमें कि जो एक तंत्र का मार्ग है उसमें कहते हैं कि ऑल मैटर कैन बी यूज्ड टू अप्रोच स्पिरिट, और दूसरा है कि सम मैटर कैन बी यूज्ड टू अप्रोच स्पिरिट. कि भौतिक, कुछ भौतिक चीजों से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, आध्यात्म तक पहुंच सकते हैं. और कुछ कहते हैं कि कोई भी भौतिक चीज हो उससे हम आध्यात्म तक पहुंच सकते हैं. तो ऑल मैटर सम मैटर, कुछ ही ऐसी चीज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी जो है, अभी जो भक्ति जो है, भक्ति एक तरह से वेदांत और तंत्र का इंटीग्रेशन किया गया है. अगर हम भगवद्गीता भी देखते हैं तो अगर 2:11-30 ये पूरा वेदांत है. ये आत्मा और शरीर अलग है, जो शरीर का गुण है आत्मा के गुण अलग है. पर उसके बाद में जो भी भगवान शिक्षित कर्मयोग बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं, उसमें खास करके बता रहे हैं भगवान किस तरह से आप इस भौतिक से आध्यात्म जा सकते हो. खास करके ये जो गीता में 18:46-48 है कि सर्वारंभा ही दोषेन, हर कार्य में इस जगत में दोष होता ही है. पर फिर भी स्वकर्मणातम अभ्यर्च, तुम अपने कर्म से परम भगवान की पूजा करो और सिद्धिम प्राप्त, आपको सिद्धिम प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी इससे. तो यह जो है भगवद्गीता में एक तरह से दोनों का उल्लेख किया गया है. तो अभी जो ये दोनों एक्सट्रीम्स है, वेदांत से क्या होता है, ये सारे विश्व को अर्थहीन बताया जाता है. अभी वेदांत में खास करके जो रिजिड सेपरेशन बोलता है, तो जो इस ये भौतिक और आध्यात्मिक कोई संबंध है ही नहीं. तो विश्व के इतिहास में अगर देखते हैं कि कई रहस्यमय चीजें हैं कि ये कैसे हो गया. तो एक विश्व के इतिहास में एक मिस्ट्री है, उसके अलग अलग थियोरीज है कि भारत इतना समृद्धशाली देश था, इतना शक्तिशाली देश था, पर वो इतने बार क्यों उसका कॉन्क्वेस्ट हो गया, इतने बार इतने सारे आक्रमण करने वाले लोग आए और वो इतना क्यों हरा पाए. अभी एक तरह से देखते हैं तो प्राचीन काल में अलेक्जेंडर, प्राचीन मतलब हमारे तरह से प्राचीन नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के तरह से प्राचीन, मतलब ADBC के उस समय पे अलेक्जेंडर आए थे. अलेक्जेंडर को बहुत मुश्किल हुई, पर लगभग 1000 शताब्दी के बाद कई मुस्लिम योद्धा, मुस्लिम राजा आए, उन्होंने उन्होंने यहाँ पे जीत लिया. और न केवल उन्होंने जीत लिया, जो मोस्ट ऑफ द बैटल्स इन इंडिया इन द सेकेंड मिलेनिया, जो 1000-2000 साल में है, जो प्रधान युद्ध, पता नहीं काफी जो युद्ध भारत में हुए वो अलग अलग मुस्लिम राजाओं में युद्ध हुए. मतलब कोई अफगान से आ रहा था, कोई टर्की से आ रहा था, कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था, और वो युद्ध कर रहे थे. तो हाउ वॉज इट कि इंडिया इतना कैसे शक्तिहीन हो गया,
उसके अनेक कारण है, ऐतिहासिक दृष्टि से देख सकते हैं कि भारत में अनेक राजा थे और राजा अपने अपने में युद्ध कर रहे थे। तो प्रताप रुद्र महान वैष्णव थे, जो कृष्णदेवराय महान वैष्णव थे, दोनों में साउथ इंडिया का सबसे बड़ा घमासान युद्ध में से एक युद्ध हुआ है, और उसके बाद दोनों वीक हो गए और दोनों के राज्यों ने बाद में मुसलमानों ने कॉन्कर कर लिया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, ये हुआ है ऐसे। पर एक और ऐसे एक थोड़ा फिलोसॉफिकल रीजन देखते हैं तो क्या हुआ था कि जितना 7वीं-8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के प्रभाव के कारण अद्वैत वेदांत फैल गया और उसके पहले बुद्धिज्म भी फैल गया था, तो इन दोनों के प्रभाव के कारण क्या दोनों में ये भाव होता है कि ये जगत अर्थहीन है, अरे जगत के परे जाना है हमको। तो इसीलिए अगर ये जगत माया ही है तो इस पे कौन राज्य कर रहा है, कौन राज्य नहीं कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो एक तरह से इस जगत की ओर निराशावाद आ गया, और निराशावाद जब आ गया तो फिर क्या हो गया, उसके कारण इस जग अभी भगवद्गीता में भगवान ये जगत दुखालय के बताते हैं, पर फिर भी ये जगत को भगवान इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि स्वयं अवतार लेते हैं यहाँ पे। और वो अवतार क्यों ले रहे, धर्म संस्थापनार्थ है, भक्ति संस्थापनार्थ है नहीं ले रहे वो। धर्म मतलब क्या है कि मेंटेन ऑर्डर इन द वर्ल्ड। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था वो वैष्णव और अवैष्णव में नहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि सबको वैष्णव बनाना है हमको, नहीं। कुरुक्षेत्र पांडव के पक्ष में द्रुपद महाराज थे, द्रुपद महाराज शाही वाइट थे, कौरव के पक्ष में भीष्म थे, वो वैष्णव थे, कौरव के पक्ष में भूरिश्रव थे, वो वैष्णव थे, कौरव के पक्ष में शंतनु थे, वो भी वैष्णव थे। तो वो जो युद्ध था वो धर्म और अधर्म के बीच में था, वो जो धर्म मतलब यहां पे क्या है कि मटेरियल एथिक्स एंड ऑर्डर दैट इज फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि भौतिक दृष्टि से हमको नियम होना चाहिए जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति हो सके। तो ये जरूरी है एक तरह से। अब ऐसे नहीं कि भगवान भक्ति नहीं प्रस्थापना करना चाहते, जरूर अगर आप देखते हैं भगवान अपने अवतरण के बारे में कारण बताते हैं तो चार श्लोकों में बता रहे हैं, 7, 8, 9, 10। तो 7, 8 में भगवान चौथे अध्याय की बात कर रहे हैं हम, तो चौथे अध्याय में वो धर्म के बारे में बताते हैं और 7वें-8वें श्लोकों में, और 9वें-10वें श्लोक में वो भक्ति के बारे में बताते हैं कि जो मुझे समझेगा वो क्या होगा, मेरे धाम में आ जाएगा, मत भाव मगाता। तो अभी कैसे है, धर्म इज यूनिवर्सल, ये कोई धर्म बेसिकली इट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सबको पालन करना जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं आई वॉन्ट फॉलो द स्पीड लिमिट, ये मेरी इच्छा है, नहीं। आपको ड्राइविंग करना है तो स्पीड लिमिट फॉलो करना है आपको। तो भक्ति कैन नॉट बी मैंडेटेड बाय द स्टेट। राजा कोई जबरदस्ती किसी को भक्ति करने को लगा नहीं सकता है, भक्ति के लिए सुविधाएं दे सकता है, उसको अनुकूल बना सकता है, पर भक्ति जबरदस्ती किसी नहीं करा सकते। तो इसीलिए ये दोनों श्लोक के बाद भगवान बताते हैं, 9वें-10वें श्लोक में बताते हैं कि सिर्फ भक्ति करनी है, पर अगर कोई भक्ति करने को तैयार नहीं है तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जो व्यक्ति करने के तैयार है उसके अनुसार मैं उसको फल दूंगा। तो ये कहने का उद्देश्य ये है कि इस जग में ऑर्डर रखना जरूरी है, और जो भगवान आते हैं, पांडव भक्त थे सही है, पर ऐसे नहीं है कि पांडवों ने जैसे ही वो राज सम्राट बन गए तो उन्होंने बोला कि द्रुपद के राज्य में जाकर सारा जो शिवजी का आराधना था उसको तोड़ दी, बंद कर दिया, नहीं। वह उनके कुलदैवत था, वो भी कृष्ण को मानते थे, वो समझते थे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, पर उनके कुल में वो शिवजी की पूजा करते थे, तो ठीक है वो करते रहो। सो ये धर्म इज मोर अबाउट मटीरियल ऑर्डर दैट फैसिलिटेट स्पिरिचुअल ग्रोथ। भौतिक जो पद्धति है समाज में वो किस तरह से रहे जिससे कि व्यक्ति प्रगति कर सकता है आध्यात्मिक, और जो चाहते हैं वो, ये जबरदस्ती से नहीं किया सकता है। अगर जबरदस्ती से करते हैं तो क्या होता है, भगवान ने सबको स्वेच्छा दी है तो क्या राजा स्वेच्छा नहीं देगा, राजा क्या भगवान से बड़ा है लोगों की स्वेच्छा ले जाने के लिए, ऐसे नहीं है। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग ओवर हियर इज कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो
जो मैं बता रहा था कि जो वेदांत के कारण ये जगत पूरा दुखालय है, जगत पूरा माया है, ऐसी बात नहीं है। माया में भी श्रेणियां हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और कोई तामसिक राजा है और कोई राजसिक राजा है, उसमें भी बहुत फर्क होता है। राजसिक राजा भी होगा तो क्या होगा, वह राजसिक राजा जानता है कि अगर मुझे समृद्ध रहना है तो मुझे राज्य को भी समृद्ध करना पड़ेगा। अगर कोई तामसिक राजा है, वो मुझे मेरा ऐश्वर्य चाहिए और जो लोग भूखे क्यों ना मरे उनको मुझे टैक्स देना चाहिए, और ऐसा करते रहेगा, शोषण करते रहेगा, क्या होगा, बाद में सारा राज्य पूरा कंगाल हो जाएगा और फिर जो लोग हैं रिवॉल्यूशन करेंगे और फिर राजा को भी मार डालेंगे। राजसिक राजा जो होगा सोचेगा क्या, मुझे समृद्धि चाहिए तो समाज में कैसे समृद्धि लानी मुझे देखना चाहिए उसको आध्या। तो सत्व रजस तमस इनमें बहुत फर्क है। तो यही जो भौतिक तत्व को पूरा ठुकरा देना, ये क्या है, यह राजा नहीं कर सकता है। अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय को इस जगत को ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। तो जब जो इस तरह से मायावाद आ गया है, ये बुद्धिज्म का प्रभाव है, अद्वैत वेदांत का प्रभाव है, कुछ भी है, तो उससे ऐसे हो गया। तो क्या हो गया, खास करके ये जो इस तरह से हो रहा था, तो 15-16 सेंचुरी से जो पेंडुलम थोड़ा उधर जाने लग गए, और खास करके 18-19 सेंचुरी में, कैसे, जब इंडिया का इतिहास में मैनी एग्रेसर्स, कई आक्रामक लोग, खास करके इस्लामिक इन्वेजन 1000 साल से शुरू हो गया और वो बढ़ रहा था, बट इस्लाम वॉज नेवर एन इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटिटर टू हिंदुइज्म। पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर था, एक राजनीतिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हो गए थे वो अलग कारणों से, पर बौद्धिक स्तर पर जो इस्लाम का तत्व ज्ञान है वो वैदिक तत्व ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा था। पर 18वीं-19वीं शताब्दी में, खास 18वीं शताब्दी से जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आ गए, तो द वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू था, उसमें दो कंपोनेंट्स थे, एक था क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू और दूसरा था सेक्युलर साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। ये दोनों एक तरह से ब्रिटेन में, इन दोनों में झगड़ा चल रहा था कि ब्रिटेन इज इट गोइंग टू बी अ क्रिश्चियन नेशन और इज इट गोइंग टू बी अ सेक्युलर नेशन। पर ये दोनों भारत में आए थे, तो अभी दोनों के क्या, बोथ वेयर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटिटर्स, कि पाश्चात्य देशों के पास इतनी प्रगति थी, टेक्नोलॉजी थी, उनका एक रैशनल वर्ल्ड व्यू था, तो उससे क्या हो गया, उससे जो हिंदू रिचुअल्स वगैरह जो थे उनके बारे में बहुत क्रिटिसाइज करने लगे। तो एट दैट टाइम द वैदिक ट्रेडिशन जो भी वहाँ पे थी, इट ट्राई टू री इन्वेंट इट सेल्फ, कि वास्तव में हमारी शिक्षाएं क्या है, क्या पद्धतियाँ है, क्या नहीं है, वो समझने का प्रयास हो गया था। तो इसके बीच में जो 10th सेंचुरी से लगभग 15-16-18 सेंचुरी के बीच में क्या हो गया था, जो एक जब पेंडुलम एक ओर जाता है तो उसका प्रतिक्रिया दूसरी ओर चला जाएगा, उसको एक एक्सट्रीम में ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते, बहुत ताकत से रख सकते हैं पर जब ताकत छूट जाएगी तो उतनी ही प्रेरणा उतनी तेजी से वो दूसरी ओर चला जाएगा। तो क्या हो गया था, उसी तरह से जो मैटर और स्पिरिट सेपरेट है ये भाव था, तो वही उसके रिएक्शन में मैटर इज द वे टू स्पिरिट, तंत्र बहुत पॉपुलर होने लगा। तंत्र अभी जो है शास्त्रों ने बताया काफ़ी समय से है, पर जो वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने लग गया, और तंत्र क्या था, मैटर इज द वे टू स्पिरिट, और उसे अलग अलग रीति रिवाज है, ये करना है, ये अभी कैसे है, मैटर इज द वे टू स्पिरिट, इसको पूर्णतः हम गलत नहीं कहते, हम ये प्रसाद खाते हैं, प्रसाद हम अन्न खाते हैं, वो भौतिक है, पर क्या भौतिक चीज़ आध्यात्मिक चीज़ को प्रभावित कर सकती है। अभी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किस प्रकार का अन्न आप खाते हैं, भले ही प्रसाद भी ना हो तो भी अन्न सात्विक राजसिक तामसिक होता है। तो कैन मैटर इन्फ्लुएंस स्पिरिट, तो कैसे है कि अभी आत्मा है और आत्मा से आने वाली चेतना है। तो बलदेव विद्याभूषण अपने वेदांत सूत्र भाष्य में बताते हैं, गोविंद भाष्य में, कि जो है सोल है वो चेंजलेस है, जो आत्मा है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, पर जो चेतना है वो परिवर्तन न केवल हो सकती है पर परिवर्तन होते रहता है उसका। और सोल, आत्मा इज अनअफेक्टेड बाय मैटर,
मैं कोई व्यक्ति मांस खाए या तामसिक अन्न खाए या सात्विक अन्न खाए, आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती है, पर चेतना जरूर प्रभावित होती है कि दिस इज अफेक्टेड बाय मैटर। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कहते हो तलवार के तीर से, तलवार से या तीर से आत्मा प्रभावित नहीं होती है, तो फिर मांस खाने से क्या होने वाला है? क्या मांस इससे खतरनाक है? तो दो अलग चीजों के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या, आत्मा और चेतना दो अलग चीजें। तो जब भगवद गीता में दूसरे अध्याय में जो भगवान बता रहे हैं वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा जो है वो किसी भी भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होती है, पर चेतना अनेक भौतिक चीजों से प्रभावित हो जाती है। और ये हम सबका अनुभव होता है कि लोग अभी इतना म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, क्यों? बहुत से लोगों को म्यूजिक पीसफुल लगता है। म्यूजिक क्या है? वो आध्यात्मिक नहीं भी होगी तो साउंड है, बट साउंड इज ऑल्सो अ मटीरियल स्टिमुलेट, इट अफेक्ट्स कॉन्शियसनेस। तो भौतिक चीजें क्या चेतना को प्रभावित करती है? हाँ करती है प्रभावित, क्योंकि चेतना जो आ रही है वो हमारे भौतिक मन और भौतिक शरीर से इस जगत में बाहर आ रही है। तो जो पाथवे है, जो चैनल है, वो प्रभावित होता है। ऐसे कोई शराब पीता है या कोई साइकेडेलिक ड्रग्स लेता है, क्या उसे चेतना बदलती है? हाँ जरूर बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि जो चेतना आ रही है बाहर, वो चेतना कहाँ से आ रही है? चेतना मन से आ रही है, चेतना शरीर से आ रही है, और शरीर में दिमाग है, ब्रेन है। तो अगर कोई चीज शरीर को प्रभावित करती है, कोई चीज मन को प्रभावित करती है, तो उसे चेतना जो बाहर आ रही है वो जरूर प्रभावित होगी। सॉरी। तो इसलिए यहां पे कहने का उद्देश्य है कि जो सत्य है कि पूरा मैटर और स्पिरिट सेपरेट नहीं है। हाँ इन प्रिंसिपल आत्मा अलग है, पर आत्मा का हम अभी बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकते। हम केवल चेतना को अनुभव कर सकते हैं, और चेतना से हम समझते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। तो चेतना जरूर प्रभावित होती है। तो अभी क्या हो गया कि ये आत्मा जो है, सॉरी, जो आध्यात्म है, उसको हम भौतिक चीज से एक्सेस कर सकते हैं। यह जो सत्य है यह भक्ति शास्त्र में बहुत बताया गया। तो मान लीजिए अगर हम अवतार देखते हैं, अभी अवतार जो होता है, अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। अवतार का अर्थ क्या है कि जो भगवान आध्यात्मिक स्तर से भौतिक स्तर पे आए हैं। तो अभी जब भगवान आध्यात्मिक स्तर से भौतिक स्तर पे आते हैं, तो हमारे आचार्य खास करके प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का भौतिक शरीर नहीं होता है। पर यह एक जटिल विषय है कि हाउ डज द स्पिरिचुअल इंटरैक्ट विद द मटीरियल। कि अगर भगवान का भौतिक शरीर नहीं है तो फिर क्या आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता है, तो लोग तभी भगवान को कैसे देख सकते थे? तो क्या जो सब लोग वहां पे थे, क्या सबको आध्यात्मिक दृष्टि थी? दुर्योधन तो आध्यात्मिक नहीं था। तो तभी क्या जो तभी जब सब लोग थे, सब लोग को भगवान ने विशेष दृष्टि दी थी कि जिससे कि वो सब आध्यात्म को देख सके? ठीक है, अगर हम कहते तो क्या भगवान आध्यात्मिक थे, भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है, तो भगवान के पार्षद होते हैं, क्या उनका शरीर भी आध्यात्मिक था? अगर कहते हैं तो पार्षद को कौन से पार्षद, इंटीमेट एसोसिएट्स, तो कट ऑफ पॉइंट कौन सा है फिर? ये पार्षद का शरीर आध्यात्मिक है, पार्षद का शरीर भौतिक है। तो वो ऐसा इतना कुछ विश्लेषण नहीं हुआ है अभी। तो जो मटीरियल स्पिरिचुअल का इंटरेक्शन है वो एग्जैक्टली कैसे होता है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पर जब हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान भौतिक शरीर में नहीं आते, उसका प्राइमरी मतलब यह है कि वो माया के प्रभाव में नहीं आते। वो भौतिक जगत में आते हैं फिर भी वो दिव्य स्तर पे रहते हैं। तो एग्जैक्ट क्या पद्धति है जिससे कि जो आध्यात्मिक भगवान का शरीर इस भौतिक जगत में दिखता है, वह समझना बड़ा मुश्किल है। ये क्रिश्चियनिटी में भी इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस होता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो जीसस है, भाई इंग्लिश में जो अवतार शब्द है उसका इंग्लिश में क्या होता है?
इनकार्नेशन। तो एक्चुअली जो इनकार्नेशन है, इस शब्द का ही अर्थ क्या है, उसमें कारना आता है। कारना मतलब फ्लैश। इनकार्नेशन मीन्स टू कम इन फ्लैश, लाइक कारना से आता है, कार्निवोरस एनिमल्स। तो क्रिश्चियनिटी में भाव क्या था कि जीसस एक जो है एक तरह से इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम गॉड। तो क्राइस्ट जो है वो गॉड है, एंड क्राइस्ट केम एज जीसस। तो वो जब आए यहां, जीसस यहां पे आए, तो उनका भाव था कि गॉड केम इन फ्लैश। और क्रिश्चियनिटी की फिलोसफी क्या है कि इनकार्नेशन। और वो कहते हैं, उनको भी बहुत कंफ्यूजन था कि जब जीसस वॉज किल्ड, वो तो उनका उनकी अपेक्षा थी कि जीसस जो है वो हम सबका उद्धार करने आया हुआ है, और फिर वो तो गुनहगार के समय उसको बड़े बेरहमी से मार दिया और वो मर भी गया। तो वो तभी जो था, क्रिश्चियनिटी कुड हैव डाइड ओवर देयर, इट शुड हैव डाइड ओवर देयर विद द डेथ ऑफ जीसस। पर तभी कुछ लोगों को जीसस पुनः दिख गए, और फिर उससे उन्होंने कहा जीसस हैज रिजन अगेन। तो उनका क्या था, उनका भाव ये था कि जीसस वॉज गॉड हु केम इन ह्यूमन फॉर्म एंड देन ही सफर्ड। वो हमारे वो मानव शरीर में आए और वो हमारे पापों के लिए उनकी मृत्यु हो गई, और फिर वो चले गए। तो उन्होंने जो जीसस ने जो त्याग किया है उसको सही बताने के लिए, कि बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, उसको एम्फसाइज करने के लिए क्रिश्चियनिटी में ये भाव आता है कि जीसस एक्चुअली सफर्ड द पेन। जीसस का भौतिक शरीर था, जब उसके शरीर में खिले मारे उसको मारने के लिए, तो उनको बहुत दर्द हुआ, पर वो दर्द उन्होंने हमारे प्रेम के कारण, हम सबके लिए का प्रेम था, इसलिए वो सहन किया। तो क्रिश्चियन फिलोसफी में क्या है कि व्हेन द डिवाइन कम्स, द स्पिरिचुअल कम्स टू द मटेरियल लेवल, द स्पिरिचुअल कम्स इन अ मटेरियल फॉर्म। जो आध्यात्मिक है वो भौतिक भौतिक तत्व में आता है। तो देखे थे द डिवाइन बिकेम द ह्यूमन इन जीसस, कि जो 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 दिव्य है वो मानवी बन गया जीसस में। तो अभी ये कहने का रीजन क्या है, सभी लिस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि स्पिरिट मैटर में कैसे आता है इसका बहुत कंफ्यूजन है। तो ये जो जो द डिविनिटी ऑफ गॉड, द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट वाज मैनिफेस्टेड द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस, ये एक सेंटेंस बनाने के लिए 400 साल तक क्रिश्चियनों ने झगड़ा किया, कि जब एडी जब जीसस आए, जीसस के क्रूसिफिकेशन हो गया, उसके बाद जीसस कौन था, उसका पोजीशन क्या है, वह समझने के लिए बहुत समय लग गया। तो नाइसिन क्रीड नाम का उनका एक डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने ये फाइनलाइज किया, फॉर्मलाइज किया कि जीसस वॉज बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन, इज फुल्ली डिवाइन एंड फुल्ली ह्यूमन, और पूर्णतया आध्यात्मिक भी थे और पूर्णतया भौतिक भी थे। तो अभी जब हम अवतार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अवतार मतलब क्या है, वो आध्यात्मिक स्तर से इस भौतिक स्तर पे आए। तो जो एक्चुअली हमारे फिलोसफी के अनुसार इनकार्नेशन इज द रॉन्ग वर्ड, द राइट वर्ड इज डिसेंट, कि ही हैज नॉट कम इन फ्लैश। ऑफकोर्स इनकार्नेशन का भी एक सूक्ष्म अर्थ होता है, और प्रभुपाद जी इनकार्नेशन का भी शब्द इस्तेमाल करते थे, पर उसके साथ क्या करते थे, वो इनकार्नेशन किस अर्थ से इस्तेमाल करें वो स्पष्ट किया करते थे। अभी क्या है कि बहुत से प्रभुपाद जी 1966 में थे, तो क्या होता है लोगों को कितना अनफेमिलियर चीज है, जो जानते नहीं है वो सहन करने की क्षमता होती है। तो अगर एक अनफेमिलियर कंसेप्ट और एक अनफेमिलियर टर्म दोनों डाल देंगे, जो संकल्पना है वो भी नई है और जो शब्द भी नया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझना। अभी आज के समय में अवतार बोलते हैं तो वेस्टर्न लोगों को अवतार मतलब भगवान का अवतार नहीं, वो अवतार मूवी याद आता है या सोशल मीडिया पर लोगों के अवतार होते हैं, मेरा फेसबुक का ये अवतार है, मेरा इसका ये अवतार है। तो अवतार ये शब्द बहुत कॉमन हो गया अभी आजकल। द पॉइंट इज कि दैट मैटर एंड स्पिरिट इंटरैक्ट, कि आध्यात्मिक और भौतिक चीजों में कुछ संबंध होता है, यह बहुत फाउंडेशनल है हमारे फिलोसॉफी में। अभी भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, तो एक है कि हम इसे वी वेरी क्लियरली से दैट द डीटी इज नॉट मटेरियल, बट क्या उसका मतलब है कि हम जब डीटीज को देखते हैं तो हमें देखना नहीं कि अच्छा ये डीटीज वुड के है, मार्बल के है, स्टोन के है, अब नेचुरली हम देखेंगे।
तो व्हेन वी से द डीटी इज नॉट मटीरियल, उसका मतलब क्या है? द डीटी इज नॉट जस्ट मटीरियल. मटीरियल के बना हुआ है तो जरूर है वो, पर उसमें भगवान आ गए. सो दैट रियालिटी इज द हाईएस्ट रियालिटी. जैसे हम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देते हैं, जो करेंसी नोट है वो भी तो पेपर ही है, बट इट इज पेपर, बट इट इज नॉट जस्ट पेपर. और वो किसी ऑथराइजेशन के कारण क्या हो गया, पेपर से बहुत ज्यादा उसका वैल्यू हो गया. और जब हम देखते हैं करेंसी नोट को, तो हमको पेपर का याद सब आएगा ही नहीं, करेंसी का याद आएगा. तो उसी तरह से जब हम विग्रहों को देखते हैं, तो ये भौतिक है, वो इट्स अ फंक्शनल ट्रूथ, बट इट्स नॉट एट ऑल एन इंपॉर्टेंट ट्रूथ. कि हाँ, भौतिक दृष्टि से जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं विग्रह के रूप में, किसी भौतिक तत्व से आएंगे, पर वो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण क्या है कि अगर हम ट्रूथ कहते हैं, एक है फंक्शनल ट्रूथ और दूसरा है एसेंशियल ट्रूथ. तो फंक्शनल ट्रूथ क्या है? करेंसी नोट इस पेपर. बट एसेंशियल ट्रूथ क्या है? करेंसी नोट जो है, इट इज समथिंग मच बिगर देन पेपर. तो इतना बिगर है कि वो करेंसी, वो पेपर का है, वो सिर्फ हम कब याद रखेंगे, ठीक है, मैं गीले 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 की जगह पे नोट को डालना नहीं है. वैसे ही है, अगर हम मार्बल के डीटीज है तो शायद वी वोंट एक्सपोज देम टू पर्टिकुलर सब्सटेंसेज, थोड़ा केयरफुल रखना पड़ेगा. वुड के डीटीज है तो कुछ चीज़ों से हमको संभाल के रखना पड़ेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो हमारे कॉन्शियस ने, मैं 10 पेपर के पीसेस मेरे पॉकेट में लेके जा रहा हूँ, कोई सोचता नहीं है इसे. तो द पॉइंट इज कि स्पिरिट जब मैटर में आता है, तो जो मैटर है वह बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, स्पिरिट ही प्रोमिनेंट रहता है, आध्यात्म ही प्रोमिनेंट हो जाता है. तो ये भाव भक्ति में सही में है, और यह भाव जो है अलग तरह से बताया जाता है. अभी खास करके वाराणसी में रामायण की, राम जन्म के समय एक रामलीला होती है. अभी रामलीला में क्या होता है कि जब कोई एक्टर्स है, कोई एक्टर जो राम के लिए भूमिका कर रहा है, कोई एक्टर सीता की भूमिका कर रहा है, खास करके जो राम की भूमिका कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा ऐसे माना जाता है कि उस दिन के लिए वो राम बन गया है. तो उस दिन के लिए जब वो बच्चा राम के राम का कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के आता है, तो क्या होता है, वो उसके पिताजी भी आएंगे, उसके दादा आएंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसके हमें दंडवत करेंगे उसको, क्योंकि ऐसे कहते हैं वो राम का आवेश उसमें आ गया है. कि वो जब वो भूमिका कर रहा है, तो उनकी उनको से प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ऐसे अपेक्षा होती है कि वो राम की चेतना में आ जाए. और उससे क्या होता है कि सब लोगों को वही राम की स्मृति हो. तो अभी क्या वो उनका बच्चा नहीं है? हाँ, जरूर उनका बच्चा है, पर उस दिन के लिए जब वो भूमिका कर रहा है, तो वो क्या है, उसने राम का एक तरह से आवेश आ गया है. और वो पिता या दादा वो अपने पोते को या बच्चे को वो प्रणाम नहीं कर रहे, जो राम का आवेश उसमें आया है उसको प्रणाम कर रहे हैं. अभी जो आवेश होता है, आवेश का मतलब क्या है कि समथिंग हायर स्पिरिचुअल इज मैनिफेस्टिंग इन द मटीरियल, या जनरली स्पीकिंग समथिंग हायर इज मैनिफेस्टिंग इन द लोअर. कुछ और चीज है जो इस जगत में प्रकट हो रही है. तो जब ऐसे होता है, तो अभी हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं कि एक्सटेसी के बारे में, सहजिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो जैसे रामलीला तो काफी सालों से चल रही है, रामलीला मतलब कि जो कोई एक्टर्स है वो रामलीला एनैक्ट करते हैं, तो वैसे ही जो भाव है वो वृंदावन में कृष्णलीला में भी आ गया, और बंगाल में भी कृष्णलीला में आ गया. तो अभी इससे क्या हो गया भाई, वो जो है जब कोई नाटक कर रहा है तभी, और खास करके मेडिवल टाइम्स में, अराउंड 13th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, दैट वाज अ फ्लरिशिंग टाइम फॉर काव्य एंड नाट्य. पोएट्री और ड्रामा जो है वो भारत के इतिहास में तभी बहुत फैल गया. और खास करके क्या है, ये सब भक्ति के कारण हुआ है. सी, भक्ति का आइडिया क्या है कि यू कैन यूज द मटीरियल फॉर रीचिंग द स्पिरिचुअल. आप भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीज को पहुंच सकते हो.
तो इसीलिए काव्य है, नाटक है, सुंदर मंदिर है, सुंदर चित्र है, ये सब क्या है, हम भौतिक चीजों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि हम आध्यात्म की ओर पहुंच सके। अब ये सुंदर मंदिर है, सॉरी सुंदर चित्र है, ये चित्र जो है वो भौतिक है, पर प्रभुपाद जी क्या कर देते हैं, विंडोज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्या है ये, भौतिक इस तरह से अरेंज किया गया है कि हमको आध्यात्म तक पहुंच सके। पर जब ऐसे हो गया तो कृष्ण लीला भी होने लग गई, कि जब कृष्ण और राधा कोई लीला कर रहे हैं या कृष्ण गोपाल लीला कर रहे हैं, तो जो बच्चे जो लोग पात्र लीला कर रहे हैं, तो ऐसा था कि भाव था कि उनमें कृष्ण का आवेश आ गया है और उनको प्रणाम करते थे, उनको आदर दिया करते थे। और यह जहां तक हो रहा है वो ठीक है। तो जो पहली बार प्रभुपाद जी वृंदावन में गए थे तो क्या हुआ, अपने शिष्यों को लेकर गए वृंदावन को, सॉरी 1968 में, फिर 1970 में। तो वृंदावन में क्या क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी अपने अपने शिष्यों को, अपने गुरु भाइयों से भी पहचान किया, वो वृंदावन जाके देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में ड्रामास चालू कर दिए थे, पर प्रभुपाद जी ने जो जो ड्रामास थे, यू कैन हैव ब्रॉडली टू काइंड ऑफ ड्रामास, ड्रामा अबाउट तत्व, अबाउट फिलोसॉफी, एंड ड्रामा अबाउट लीला। तो अभी कोई भी ड्रामा है उसमें कहानी तो होनी चाहिए, पर कुछ होता है मोर ऑफ एजुकेशनल ड्रामास, और कुछ होते हैं मोर कल्चरल डिवोशनल ड्रामास, कल्चरल ड्रामास। तो क्या प्रभुपाद जी जो ड्रामा चालू किए थे वो मोस्टली एजुकेशनल ड्रामास थे, कैसे हम शरीर नहीं है आत्मा है वगैरह वगैरह, से गॉड ऑन ट्रायल वगैरह, ऐसे ऐसे इस प्रकार के ड्रामास थे। पर जब भक्त वृंदावन में गए, उन्होंने देखा कि क्या है कि यहाँ पे इतने सारे सुंदर डिवोशनल ड्रामास हैं। तो प्रभुपाद जी एलए में थे और वहाँ पे भक्तों ने बताया कि हम एक ड्रामा कर रहे हैं, और वो क्या था, कृष्ण लीला का ड्रामा था। और फिर वो कृष्ण लीला का ड्रामा जब हो रहा था तो क्या हुआ, जो भक्त कृष्ण बने थे सारे भक्त आके उस भक्त की आरती करने लग गए और फिर उसको दंडवत करने लगे। तो ड्रामा के समय प्रभुपाद जी ने शांति से देख लिया और प्रभुपाद जी बाद में बोला कि हम ऐसे ड्रामा नहीं करते, नो, अगर कोई कृष्ण बन रहा है तो ऐसे नहीं कि आपको उसको पूजा करनी है, उसको आपको प्रणाम करना है। तो ये अगर ट्रेडिशन है तो इसको अपोज क्यों किया गया, तो अपोज प्रभुपाद जी ने किया, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भी किया। क्या हो गया, वह एक है लीला के लिए, लीला दर्शाने के लिए, क्या करना कि ये कृष्ण बन गए हैं, कृष्ण का आवेश इनमें आ गया है, ये राधा रानी बन गई है, राधा का आवेश इसमें आ गया है, वो कहना। पर सहजिया जो भाव आ गया, तो अभी हम सहजिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये सहजिया के बारे में कोई सहज चर्चा नहीं हो रही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चर्चा हो रही है। पर सहजिया जो है वो कैसे आया, वो इसका बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं। तो क्या हो गया कि जब ये सहजिया भाव आने लग गया, उसमें क्या कहने लग गए वो लोग, कि कुछ लोग कहने लग गए कि अभी कृष्ण लीला का ड्रामा करना है, तभी कृष्ण और राधा का आवेश उनपे आ गया और ड्रामा परफॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद में वही जो दादा है जो राम को प्रणाम कर रहे हैं, वो बच्चा कुछ गलती करेगा तो थप्पड़ भी मारेंगे। तो क्या है, अभी वो आवेश चला गया, अभी तुम राम नहीं हो, अभी तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पोते हो, ऐसा हो जाता था। पर वो क्या हो गया, कुछ लोगों ने सहजिया भाव से क्या कर लिया, जो वो जब एक तरह से अनैतिक रूप से भोग करने लग गए, और कोई पुरुष और कोई स्त्री है, वो कहते हैं कि हम नहीं भोग कर रहे, वास्तव में मुझ में कृष्ण का आवेश आया है, तुम में राधा का आवेश आया है, और वास्तव में ये राधा कृष्ण की लीला हो रही है। तो अभी क्या है, एक है इमोरैलिटी, अनैतिक कार्य करना, बट इट अनदर है इमोरैलिटी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत खतरनाक है। तो जब वो इस तरह से कहने लग गए कि क्या है कि वास्तव में कोई 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 अनैतिक रूप से भोग करना चाहता है, कह कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं हूं, वास्तव में मेरे हृदय में कृष्ण है, और मेरी दृष्टि इतनी दिव्य है कि मैं तुमको एक गोपी के रूप में देख रहा हूं। और फिर वो बोल के एक तरह से भोग करने लग गए, और जब ऐसे होने लग गया तो फिर क्या हो गया,
इससे जो लोग अनैतिक है वो तो हमेशा अनैतिक रहने वाले, उसको हम रोक नहीं सकते, पर जब अनैतिकता नैतिकता के मास्क में आती है, का नकाब पहन के आती है, तो वो और खतरनाक बन जाती है। तो इसके कारण क्या क्या हो गया था कि जब पाश्चात्य लोग भारत में आए, खासकर के बंगाल में आए, तो वो कह रहे थे कि ये सारा जो हिंदू धर्म है, यह तो उसको पेगन रिलीजन कहा करते थे, पर हिंदू धर्म में बोले कि टू आइकन्स, दो पेगन, मतलब जैसे हम कहते हैं हर धर्म में जो उस धर्म को पालन नहीं करते हैं उनको एक नकारात्मक नाम दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं म्लेच्छ यवन, मुस्लिम कहते हैं काफिर, वैसे क्रिश्चियन कहते हैं पेगन। तो जो भी हर धर्म में ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है उसमें सबसे जो विकृत देवता है वो दो है, एक है काली और दूसरा है कृष्ण। तो क्यों काली क्यों? क्योंकि ऐसे कैसे भगवान है जो क्या है कि लोगों के मास्क, अ गार्लैंड ऑफ स्कल्स, कि ऐसे कैसे 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 कोई ऐसे भगवान की पूजा कर सकता है जो कि लोगों के व्हाट इज स्केलेटन्स, स्कल्स, खोपड़ी की माला पहनते हैं, ऐसा कैसे कोई भगवान हो सकता है? खोपड़ी, टेरिबल वर्ड, कंकाल, दैट साउंड्स अ मोर डिग्निफाइड वर्ड। ओके, तो और क्या कृष्ण बोले कि कृष्ण क्या है कि ये कृष्ण के भक्त के नाम पे कितनी अनैतिकता हो रही है, और क्या है कि द कृष्णा रिलीजन वॉज सीन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ इमोरैलिटी एंड द कली रिलीजन वॉज द सीन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्रुटैलिटी। तो इमोरैलिटी और ब्रुटैलिटी, अनैतिकता और भीषणता और हिंसा, तो उसको लेके इस पे बहुत निंदा होनी थी। और अभी जो सहजिया है, जो ये चल रहा था, अभी अगर अगर हम सबने भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कुछ सुना है, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था, तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अपने जीवनी में कि मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु वो तो बड़े नैतिक व्यक्ति थे, पर वो ये जो कृष्ण इतने नैतिक है उनकी पूजा क्यों कर रहे थे? अभी भक्तिविनोद ठाकुर तो उनको ऐसा सवाल क्यों आ रहा था? क्योंकि ये सवाल उस समय सब लोगों के बीच में था, दैट इज अ कॉमन नोशन। और जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा, वो कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की और तभी मुझे कृष्ण तत्व क्या है समझा। और फिर उनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, एक तरह से भक्तिविनोद ठाकुर जो थे वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड इंक्लूसिव थे। जब भक्तिविनोद ठाकुर और भक्तिसाधन ठाकुर का अगर मूड देखते हैं तो काफ़ी अलग है। भक्तिविनोद ठाकुर कैसे, वो थोड़े वो रिफॉर्मर थे, भक्तिसाधन ठाकुर वो रेवोल्यूशनरी थे। मतलब कोई रिवॉर्मर और रिवॉल्यूशनरी में फ़र्क क्या है कि अभी को मान लीजिए कोई किसी का कोई इमारत है, कोई आपको नया टेंपल के लिए जगह मिली है, तो उसमें क्या है, अरे ये रूफ यहाँ पे लीक हो रहा है, इसका पेंटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं, ठीक है ये रूफ को फिक्स कर देते हैं, ये पेंटिंग कर देते हैं, थोड़ा रिफॉर्मर मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करना। पर रिवॉल्यूशनरी आता है, इसको उड़ा देते हैं बॉम्ब से और नया बना देते हैं। तो भक्तिसाधन ठाकुर जो थे वो एक तरह से रिवॉल्यूशनरी थे, भक्तिविनोद ठाकुर रिफॉर्मर थे। क्या है, थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज, धीरे धीरे चेंज करो। तो भक्तिविनोद ठाकुर ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल नहीं थे अधिकांश रूप से। उन्होंने तत्वविवेक जैसे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें उन्होंने क्या किया है कि जो पाश्चात्य विचारवंत है उनके बारे में, उनके विचार और गौड़ीय वैष्णव के विचार किस तरह से मिलते हैं उनको, उसको देखा है भक्तिविनोद ठाकुर। यहाँ तक कि जब दयानंद सरस्वती ने जो काली पूजा की निंदा की थी, वो बहुत निंदा की थी, तो उन्होंने अपने मैगजीन में हार्मोनिस्ट में एक पूरा लेख लिखा जो काली पूजा को डिफेंस कर रहा था, उसको समझाया था ये क्यों जरूरत है, जो तामसिक लोग हैं उनके लिए इसकी जरूरत है, ये सर्वोच्च चीज़ नहीं है पर ये महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर भी उसका एक योगदान है। तो एक तरह से भक्तिविनोद ठाकुर काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, पर फिर भी इस एक चीज़ के बारे में जो सारे अपसंप्रदाय है उनका उन्होंने लिस्टिंग किया,
और ये औला बौला ये सब, ये क्या गलत है उनमें, क्या गलत है. तो क्या था उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि गौड़िया वैष्णविज्म और सहजियाइज्म, इनका जो भेद है वो प्रॉपरली प्रस्थापित करें. क्योंकि क्या हुआ था कि अगर वो भेद अगर स्पष्ट रूप से प्रस्थापित ना होगा तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कि गौड़िया वैष्णविज्म भी अनैतिक है, एंड इट इज जस्ट अ मास्क फॉर इमोरैलिटी. अनैतिकता के लिए एक केवल एक नकाब है ये असली जो. तो फिर भक्तिवेद ठाकुर ने इसको काफी स्पष्ट किया. जो बताया था भक्तिविनोद ठाकुर जो कर रहे थे, नॉर्मली वो रिफॉर्मर थे. तो रिफॉर्मर जो होते नॉर्मली वो नॉन कॉन्फ्रंटेशनल होते, ठीक है, धीरे धीरे चेंज करना, ज्यादा झगड़ा नहीं करना है किसी से. भक्तिविनोद ठाकुर जब रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो ही हैड अ वेरी कॉर्डियल रिस्पेक्टफुल मीटिंग. तो उन्होंने कुछ उससे कुछ ज्यादा कुछ उससे कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था. अभी भक्तिविनोद ठाकुर और स्वामी विवेकानंद देर बोथ एक्चुअली कजिन्स. भक्तिविनोद ठाकुर जो केदारनाथ दत्त थे और स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त थे, डिस्टेंट कजिन्स थे, बहुत क्लोज नहीं थे. तो भक्तिविनोद ठाकुर वॉज स्लाइटली ओल्डर देन स्वामी विवेकानंद, और फिर भी जो रामकृष्ण परमहंस से उनके गुरु के एज के थे, थोड़े एल्डर थे. तो ये वेरी रिस्पेक्टफुल मीटिंग हुई थी. पर इस एक चीज के बारे में, सहजियाइज्म के बारे में, वो काफी कॉन्फ्रंटेशनल थे कि ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये संप्रदाय जो है इसमें ये तत्वज्ञान की गलत है, ये गलत है. क्योंकि क्या हो गया था, क्योंकि सहजियाइज्म से क्या हो रहा था, इट वॉज इमोरैलिटी. अनैतिकता तो थी बट इमोरैलिटी इन द मास्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से प्योर, प्योर मतलब नॉट प्योर, शुद्ध नहीं, प्योर मतलब कह रहा टोटल प्योर सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द गार्ब ऑफ प्योर डिवोशन. तो इन द गार, गार मतलब नकाब ऑफ प्योर डिवोशन. कोई कहे मैं तो शरीर को देखता ही नहीं, मैं सिर्फ कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं. पर क्या है, जब मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं तो शरीर देख ही नहीं रहता, तो शरीर पे भोग करे कुछ फर्क नहीं होता है, वो कृष्ण भोग कर रहे हैं. तो ये दिस वॉज वेरी डेंजरस. जो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक इंटेलेक्चुअल स्तर पे उसको क्लैरिफाई किया, तो उसी को भक्त सिद्धांत ठाकुर और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने एक प्रैक्टिकल स्तर पे बहुत एम्फसाइज किया कि उसको कॉन्फ्रंट किया. तो अभी क्या होता है, इन द नेम ऑफ प्योर डिवोशन मतलब क्या है, इन द गार्ब ऑफ प्योर डिवोशन, कि यहाँ पे कई लोग, कई बाबा लोग जो थे वो एक्स्टैटिक सिम्टम्स दर्शाया करते थे. और क्या कोई बहुत ऊंचे स्तर पे हो सकता है जबकि वो शरीर को नहीं देख रहा हो सकता है. हम जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि रामानंद राय जो थे, जो जगन्नाथ जी के लिए नृत्य करने वाले जो स्त्रियां थी उनके, वो उनको वो विभूषित कर रहे थे, और उनके बारे में बताया गया कि वो इतने ऊंचे स्तर पे थे कि वो शरीर को देख ही नहीं रहे थे. तो क्या कोई इस स्तर पे हो सकता है, हो सकता है, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, बट वो बहुत रेयर है. तो कोई व्यावहारिक स्तर पे, वो कोई स्तर पे हो सकता है, अभी वो बहुत बहुत रेयर है. तो पर क्या हो गया, वो जो रामानंद राय का जैसे उदाहरण को लेकर हम सब रामानंद राय के स्तर पे है, वो भाव से करने लग गए. और फिर तो जो लोग कहते थे, अभी कोई कोई कहता है मैं बहुत आध्यात्मिक स्तर पे हूं, तो कैसे को पता है हमको आध्यात्मिक स्तर पे है, कि वो जो है वो जब कीर्तन होता है तो रोते हैं, कीर्तन होता है तो वो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये होता है, वो होता है. तो क्या हो गया, एक्स्टैटिक सिम्टम्स बिकेम द प्रूफ ऑफ प्योर डिवोशन, एंड दैट प्रूफ ऑफ प्योर डिवोशन बिकेम द जस्टिफिकेशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो ये जो चेन आप समझ रहे हैं, क्या हो गया, कोई एक्स्टैटिक सिम्टम्स दिखा रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं शुद्ध भक्त हूं, और मैं शुद्ध भक्त हूं
इसीलिए मैं इतने पहुंचे हुए स्तर पे हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इसको रोकने के लिए हमारे आचार्य ने कहा क्या, ये एक्स्टैटिक सिम्टम्स को ही एम्फसाइज मत करो। तो हमारे अगर हम देखते हैं गौड़िया संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के समय कितने सारे भक्त एक्स्टैटिक सिम्टम्स दिखाते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्कॉन में कुछ एक्स्टैटिक भक्ति है ही नहीं। पर क्या है, ऐसे कोई एक्सटेसी दिखाता नहीं, वो दिखाता है तो उसको सहजिया बोल देते, पर उसका रीजन है एक। तो क्या प्रभुपाद जी का डेडिकेशन नहीं था? प्रभुपाद जी सब कितना समर्पित थे भगवान की सेवा के लिए, पर जो है भगवान की सेवा के लिए अगर कुछ प्रतिकूल है तो उससे दूर रहना जरूरी है, उसको दूर रखना जरूरी है। तो क्या है, जो जो एक्स्टैटिक सिम्टम्स थे उसका दुरुपयोग हो रहा था, उससे वो सब भक्ति के लिए प्रतिकूल हो रहा था, न केवल व्यक्तिगत लोगों के भक्ति के लिए, जो भक्ति साधना में आ रहे हैं उनका उनके वो मिसलीड हो सकते थे, वो एक्सप्लॉइट हो सकते थे। और उसके अलावा जो भक्ति में नहीं भी आ रहे हैं वो क्या हो रहा था, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। तो मतलब क्या हो रहा था, जब सहजियाइज्म हो गया इससे दो प्रभाव हो रहे थे। इससे एक था कि जो भक्ति कर रहे थे, जो भक्त थे वो एक्सप्लॉइट होते थे, उनका शोषण हो रहा था। कुछ लोग तो एक्सप्लॉइटर थे, लेकिन चीटर्स एंड चीटर कहते हैं, तो कुछ एक्सप्लॉइटर्स थे और कुछ एक्सप्लॉइटेड थे। आप जानते हैं कि वो कौन था, बिशक सेन ना, बिशक सेन को जब भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको खिलाफ स्ट्रांग एक्शन लिया, तो वो एक्शन लेने का, अभी वो जज है, जज कुछ अपनी मनमानी नहीं कर सकते, जज के पास कुछ कंप्लेंट आना चाहिए, जब कंप्लेंट आता है तभी जज कुछ कार्य कर सकते हैं। तो कंप्लेंट क्या आया था, दिस बिशक सेन हैड पोल्यूटेड मेनी वुमेन फ्रॉम रिस्पेक्टेड फैमिलीज। तो क्या है, वो बिशक सेन कहता है मैं कृष्ण का अवतार हूं और मैं लीला कर रहा हूं, और फिर उससे क्या होता है, उसने बहुत अवैध संग कर लिया था, और फिर उन परिवारों में से कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था उसको, और फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। तो एक तरह से क्या हो रहा था, जो भक्त थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे और एक्सप्लॉइट हो रहे थे, और जो जनरल पीपल थे, जो साधारण लोग थे, वो क्या हो रहे थे, वो भक्ति को नकारात्मक से देखते, वो क्या हो रहे थे, दे वेर गेटिंग एलियनेटेड फ्रॉम भक्ति। एलियनेटेड मतलब ये क्या है, वो सोच रहे थे दिस इज सिंपली, ये भक्ति क्या है, ये केवल एक नकाब है आपको अवैधिक कार्य करने, अवैध कार्य करने के लिए, अनैतिक कार्य करने के लिए। तो इसलिए इसको एड्रेस करने के लिए, इसको टालने के लिए कोई ऐसे क्लेम ही नहीं करेगा, क्लेम करेगा कि मैं महान भक्त हूँ, क्यों, क्योंकि मुझ में इतने मैं अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। नहीं, अभी ये जो आई विल मेक टू पॉइंट्स एंड देन वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी दो चीज़ें हैं इसमें, कि अगर हम अगर हमारे आचार्य भक्तिसांत ठाकुर ने तो और तो अभी ये सारा जब शुरुआत में मैंने क्या बताया, सहज के दो अर्थ थे, क्या अर्थ थे, स्पॉन्टेनियस और दूसरा है इम्पल्सिव। तो अभी आज हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो अधिकांश रूप से इस टुडे वी यूज इट इन दिस सेंस चीप, हम इस दृष्टि से आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्या हो गया था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब ये एक्स्टैटिक सिम्टम्स को डीएम्फोसाइज किया, तो उसके साथ साथ वो स्पॉन्टेनियस भक्ति जो थी, जो राग भक्ति है, उसको भी उन्होंने डीएम्फोसाइज कर दिया। जो राग मार्ग जो है वो बोले वो सत्य है, बट दैट्स वर्शिपेबल फॉर अस, हम उसको आराधना करते हैं। तो जो राग मार्ग में एक्स्टैटिक सिम्टम्स बहुत आते हैं तो उसको भी डीएम्फोसाइज कर दिया। तो अभी ऐसे तरह से डीएम्फसाइज कर दिया, उसको ज्यादा ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो अभी क्या इससे दो सवाल आते हैं, उसके करोगे कि अगर हम एक्स्टैटिक सिम्टम्स को डीवैल्यू कर देते हैं तो हम एडवांस डिवोशन, जो प्रगतिशील उच्च भक्ति है, उसको समझेंगे कैसे, और अगर हम राग मार्ग और एक्स्टैटिक सिम्टम्स को अगर कम बोल देते हैं तो क्या हम कभी उस एक्स्टैटिक सिम्टम्स पहुंचेंगे, क्या हम कभी स्पॉन्टेनियस डिवोशन तक पहुंचेंगे। तो ये दो सवाल है, खास करके
इन दो सवालों के आधार पर बहुत से इस्कॉन भक्तों को इस्कॉन से खींच के गौड़िया मठ में लेके गए हैं कोलो, कि तुमको इस्कॉन में राग भक्ति नहीं मिलती है, तुमको सिर्फ प्रिलिमिनरी मिलता है। और यहाँ तक उसका और रैशनलाइजेशन भी करते कि स्वामी प्रभुपाद जो थे ना, जो आए तो वो केवल 10 साल के तुम्हारे साथ थे, अगर वो 10 साल और रहते तो और बहुत कुछ गौड़िया वैष्णव के एडवांस चीज़ें आपको बताते, वो जो उन्होंने नहीं बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है, इट्स लाइक यू आर रिस्पेक्टफुली डिसरिस्पेक्टफुल प्रभुपाद, आदर के साथ अनादर कर रहे। मतलब क्या है, ये जो है यहाँ पे तुमको सिर्फ ABCD सिखाते हैं, ये तुम क्या जूनियर के जी किंडरगार्डन में जा रहे हो, पर तुमको PhD चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। तो वो भाव है। तो विल एड्रेस दीज टू इश्यूज। तो पहले क्या है कि अगर हम भक्तिरसामृत सिंधु में ही देखते हैं तो जो सिम्टम्स ऑफ डिवोशन है तो दो प्रकार के सिम्टम्स बताए हैं उन्होंने। एक है एक्स्टैटिक, जो एक्स्टैटिक सिम्टम्स होते हैं वो इंटरमिटेंट होते हैं। इंटरमिटेंट होते हैं मतलब वो कभी कभी आते हैं, जैसे किसी का बाल खड़े हो जाना, किसी का कंपन होना, आंखों से अश्रु आना, ये इंटरमिटेंट होते हैं। पर उसके साथ साथ भक्ति सामंत सिंधु में ही कुछ कांस्टेंट सिम्टम्स बताए, जैसे कि अव्यर्थ कालत्वम, जो है कि समय को बर्बाद नहीं करना, ऐसे है कि समुत्कंठा, कृष्ण के बारे में बड़ा उत्साह होना, या इंद्रियों से विरक्ति। तो दीस क्या है, हमारे आचार्यों ने ये सिम्टम्स को एम्फोसाइज किया है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, अभी कुछ लोग बोलते कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, उपदेशामृत में वो उत्तम अधिकारी के बारे में बहुत उच्च स्तर पे बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो सोचते रहता है हमेशा कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन कैसे हमेशा प्रचार करना है विश्व भर, वो उत्तम अधिकारी है। तो प्रभुपाद जी क्या करें, उत्तम अधिकारी राधा कृष्ण के बारे में स्मरण कर ऐसे क्यों नहीं बोल रहे। पॉइंट ये है कि वो अपना काल व्यर्थ में नहीं गवा रहे, राधा कृष्ण का ही जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए उनके मिशन की पूर्ति में उनका मन लगाया है। तो जो एक्स्टैटिक सिम्टम्स है ये क्या है, ये इमिटेबल है, कोई कृत्रिम रूप से इसका इमिटेशन कर सकता है, पर जो कांस्टेंट सिम्टम्स है ये इनइमिटेबल है। कोई नकाब कर सकता है कि जब वो पब्लिक में आता है तो बहुत एक्सटेसिव कर रहा है, तो बहुत आनंद हो रहा है, पर अगर प्राइवेट में होगा तो फिर वो TV देखता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, ये करता है, वो करता है। तो क्या है, वो जो ये सिम्टम्स है कि डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट कृष्णा सर्विस, ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, समुत्कंठा, ये नॉन इमिटेबल है। और इसलिए क्या है, दीज आर इन वन सेंस मोर रिलायबल, ये और अच्छा मापदंड है। तो ऐसे नहीं कि जो हमारे परंपरा में बोल दिया उसको हम छोड़ रहे, नहीं, हमारे परंपरा में ही जो बताया गया है उसमें से जो चीज ज्यादा रिलायबल है उसको एम्फोसाइज करते हैं हमारा आचार्य। ये पहली चीज है कि सो इट्स नॉट दैट वी आर अबैंडनिंग द ट्रेडिशन, वी आर ऐसे ट्रेडिशन को छोड़ नहीं रहे, ट्रेडिशन में जो महत्वपूर्ण है, जो और रिलायबल है हमारे लिए, उस पर जोर दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम जो राग भक्ति जो है, राग मार्ग जो है, और राग मार्ग से जो अष्टसात्विक विकार आ रहे हैं, तो उसका अगर हम उसके बारे में हम बात नहीं करते, उसको हमारे भक्त दर्शाते नहीं है, तो क्या हम शुद्ध भक्ति की ओर जा सकते हैं। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत में बताया है कि किस तरह से जैव धर्म में कुछ हद तक बताया है, पर दोनों ये दो उनके प्रधान ग्रंथ है, चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म। तो अभी उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो आध्यात्मिक प्रगति होती है उसके अलग अलग तरह से ट्रेजेक्ट्री हो सकते हैं। तो अभी जब हम आध्यात्मिक जगत को जा रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि इस जगत में ही किसी को स्वरूप सिद्धि हो जाए। स्वरूप सिद्धि हो जाना मतलब क्या, कि उसको इस जगत में पता चल गया है। तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जीव गोस्वामी को कोट कर रहे हैं संदर्भों में जो उन्होंने बताया है, वो बोल रहे हैं कि तीन प्रकार के, एक तरह से वो कहते हैं महाभागवत है, तीन प्रकार के प्योर डिवोटीज है। अभी प्योर डिवोटीज ये इंग्लिश शब्द है,
पर रफली से महाभागवत है, दे आर रेडी टू गो टू कृष्णा, वो कृष्ण के जाने के लिए तैयार है, मतलब उनमें वो पात्रता है जो कृष्ण तक पहुंच जाए। और क्या तीन प्रकार, तीन प्रकार के जो महाभागवत है वो तद है, पहले है कि वो स्वरूप सिद्ध है और वो गुणातीत है। गुणातीत मतलब क्या, तीन गुणों के परे है, तीन गुणों का उन पर प्रभाव नहीं होता है, और वो आध्यात्मिक जगत में कौन है कि स्वरूप उनको सिद्धि हो गई है। दूसरे है कि वो गुणातीत है, स्वरूप सिद्ध नहीं हुए वो। तो एक तरह से कह सकते हैं जो पहले है वो उनको इसी जगत में मैं कौन हूं आध्यात्मिक जगत में पता चल गया है। तीसरे है कि वो गुणातीत भी, वो स्वरूप सिद्ध नहीं है, वो गुणातीत भी नहीं है, पर फिर भी वो क्या है, वो अनन्य भक्त है, मतलब गुणों का कभी कभी प्रभाव होता है पर गुणों से, मतलब क्या, थोड़ी कुछ इच्छा आ जाती है, बट द टेम्पररी डिजायर कम्स, बट देयर इज नो डिविएशन फ्रॉम द पर्पस, जो पर्पस है वो फिक्स्ड रहता है। तो और शायद को स्वरूप क्या है पता नहीं है, पर वो कहते हैं ये तीनों प्रकार के लोग भगवत धाम जा सकते हैं, और जो जिनको स्वरूप सिद्धि नहीं मिली है अभी, तो वो किस तरह से भगवत धाम जाएंगे, उसके अलग अलग पाथ हो सकते, मार्ग हो सकते हैं। जो स्वरूप सिद्ध है शायद ऐसे हो सकता है कि वो सीधा यहां से भगवत धाम चले जाए, जो स्वरूप सिद्ध नहीं है वो इस भौतिक जगत से शायद ऐसे जगह पे जाएगी जहां पे कृष्ण की लीला हो रही है, और उस लीला में वो प्रवेश करेंगे, और वहां पे उनके जो स्वरूप के अनुसार वो उस लीला में सहयोगी होंगे, सहभागी होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद में वो जो प्रशिक्षण है, वो ओरिएंटेशन है, वो सारा हो जाएगा, उसके बाद में भगवत धाम जाएगी। बट पॉइंट यह है कि हमारे ही ट्रेडिशन में ऐसे जरूरी नहीं है कि राग मार्ग में जाकर स्वरूप सिद्धि होकर अष्टसात्विक विकार दिखाकर ही भगवत धाम जा सकते हैं। उसके बिना भी अगर कोई भगवान की भक्ति प्रामाणिकता से कर रहा है तो वह भी जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि अभी हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, हमारे जो गुरुवर्ग है, उनमें से कुछ स्वरूप सिद्ध हो भी सकते हैं, पर क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने स्वरूप के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ने अपने स्वरूप के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए हमारे आचार्य भी नहीं बता रहे, तो हो सकता है। तो वे नॉट सेइंग कि वो स्वरूप सिद्ध नहीं है, हो सकते हैं, पर नहीं भी हो तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो भगवत धाम नहीं जाने वाले, या वो हमें भगवत धाम नहीं ले जा सकते। ये जो है, तो जो राग मार्ग को सहजिया के खतरे से बचाने के लिए, जो राग मार्ग को ज्यादा जोर नहीं दिया है, उसके कारण हम गौड़िया वैष्णव का जो परम उद्देश्य है उससे डिप्राइव नहीं हो रहे हैं, उससे वांछित नहीं हो रहे हैं हम, वह हम अभी भी श्री प्रभुपाद जी और जो गौड़िया वैष्णव आचार्य है उनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब प्रभुपाद जी, मैं कल कोट कर रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं The way to enter into Radha Krishna Lila is to spread Krishna consciousness movement all over the world. कि राधा कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना और आंदोलन को आप विश्व भर में प्रचार करो। तो ये जो कह रहे हैं, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, वो प्रभुपाद जी को ये न केवल विश्वास है, पर शास्त्र और आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर ये विश्वास है कि अगर हम समर्पण से सेवा भाव में लगे रहते हैं, तो भले ही हमें राधा कृष्ण का स्मरण करके, उनकी लीला का स्मरण करके हमें कोई साक्षात्कार नहीं होने वाला है कि राधा कृष्ण की लीला में मैं ये पार्षद हूँ यहाँ पे, पर जो शुद्धिकरण है वो फिर भी हो जाएगा, और शुद्धिकरण से हम आध्यात्मिक जगत में भगवान और प्रभुपाद जी की कृपा से जरूर पहुँच सकते हैं। तो सारांश में चर्चा की, देखते क्या क्या चर्चा की। सबसे पहले हमने देखा, मेन था मैटर स्पिरिट रिलेशनशिप, इसे पे काफ़ी जोर दिया मैंने समझाने के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन था। एक है इन द वे और दूसरा था द वे, इट इज नॉट द वे, तो ये है वेदांत का मार्ग है, और दूसरा है सांख्य का मार्ग,
कौन सा मार्ग? तंत्र का मार्ग। तो इन दोनों के बीच में जो है भक्ति आती है। भक्ति में हम कहते हैं कि मैटर कैन बी अ वे टू द स्पिरिट बट नॉट ऑल मैटर। जो जो राइट हैंड तंत्र के बारे में बता रहा था वो भक्ति में कुछ हद तक इस्तेमाल किया गया है। पर भक्ति में हम ये भी कहते हैं कि मौतिक और आध्यात्मिक अलग है, जो भगवद्गीता की शुरुआत में बताया गया है। तो ये जो उसका जो संबंध है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है समझना। तो मैंने इसके संबंध में देखा कि जब हम हमारे इसमें जो मैटर स्पिरिट इंटरेक्शन होते हैं भक्ति में, भक्ति मैटर स्पिरिट इंटरेक्शन जब हम बात करते हैं तो कैसे हो रहा है वो, उसके हमने कई उदाहरण देखे। एक है अवतार का, तो जो अवतार जो होते हैं वो हमारी अवतार की संकल्पना और जो क्रिश्चियन इनकार्नेशन की संकल्पना है उसमें क्या फर्क है हम देखा। फिर जो अर्च अवतार जो है विग्रह है वो कैसे है, वो मैटर में आते हैं पर वो भगवान है इसीलिए वो मैटर को हम इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं। जैसे कि जो करेंसी नोट होता है वो कागज से बना है पर वो कागज है वो उसको ध्यान ही नहीं रहता उस तरह से। और उस तरह से जब हम जो आवेश की बात की, जब कोई नाट्य होता है उस लीला में आवेश के रूप में वह व्यक्ति प्रकट हो सकते हैं, तो ये सारी संभावना है। पर अलग अलग तरह से मैटर और स्पिरिट में इंटरेक्शन हो सकता है। इस संबंध में हम देखा कैसे कि जो है आत्मा परिवर्तित नहीं होती है पर आत्मा से आने वाली चेतना जो है सो वो कॉन्शियसनेस जो है वो इफेक्ट होता है मैटर से। तो इसीलिए किस प्रकार के मैटर का, किस प्रकार से भौतिक तत्वों को देखना है वह समझना महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में हमने देखा कैसे कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में क्या हो गया कि ये जो जो आवेश का भाव विचार था वो एक विचार, और जो एक्सटैटिक सिम्टम्स वो क्या हो गया, एक डिजनरेशन जो हो गया, किस तरह से हो गया कि एक्सटैटिक सिम्टम्स जो थे अष्टसात्विक विकार जो थे वो उसको लोग क्या कहने लगे, ये है दे आर एविडेंस और प्रूफ ऑफ प्योर डिवोशन, ये शुद्ध भक्ति के का सबूत है। और क्योंकि ये शुद्ध भक्ति के सबूत है तो इसलिए क्या है, दैट बिकम्स लाइसेंस जस्टिफिकेशन फॉर इमोरालिटी। तो इस तरह से डिग्रेडेशन हो गया, तो इसलिए क्या कर दिया हमारे आचार्यों ने, इनको डाउनप्ले कर दिया, ये एक्सटैटिक सिम्टम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे बताया। और फिर अगर ऐसे हुआ है तो इसका क्या परिणाम होता है, तो क्या हम एक्सटैटिक सिम्टम्स को डाउनप्ले कर सकते हैं, तो उसका वो आखिरी पॉइंट हम देखा कि जो डाउनप्ले एक्सटैटिक सिम्टम्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर भी क्या है, ऐसे नहीं कि हम जो एडवांस डिवोशन को उसको पता करने कोई मार्ग नहीं है। क्या है, जो कांस्टेंट सिम्टम्स है वो जो अव्यर्थ कालदम जैसे, दोज आर द प्रूफ ऑफ प्योर डिवोशन। और आखिरी पॉइंट था कि जो फ्रूट ऑफ राग मार्ग जो एक्सटैटिक सिम्टम्स दिखा रहे हैं, मतलब वो राग मार्ग में यश हो रहा है, और राग मार्ग में यश हो रहा है तो उससे जो उनको फल मिलने वाला है क्या वो हमको फल मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा हमको, देखा कि हम तीन चीज़ें हैं कि कोई तीन प्रकार के महाभागवत होते हैं, तो कोई गुणातीत नहीं हो और कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो तो उसके बावजूद भी वो भगवत धाम जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अनन्य भक्ति है उसके द्वारा भगवान जो मार्ग है बता देगी उस व्यक्ति को। तो इसलिए जो हमारे आचार्य ने दिया है हमें, वह वास्तव में जिसके प्रभुपाद जी ने हमको दिया है वो इट इज गौड़िया वैष्णविज्म प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटैमिनेशन। तो वो, पर ऐसा नहीं कि वो कंटैमिनेशन से प्रोटेक्ट करते समय जो एडवांस है उसको निकाल दिया है, एडवांस है इसके लिए भी हमको पाथ अभी भी दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा. सो प्रभु, डू वी हैव टाइम फॉर, अच्छा क्वेश्चंस के लिए मैं है. यस बोलिए, पीछे सवाल है. हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास. मेरा प्रश्न ये था कि आप जैसे बता रहे थे कि किस इस संसार में प्रचार करने के लिए अगर अगर कोई प्रचार करता है तो ऑटोमेटिकली वो कृष्ण भावना में ही है, राधा कृष्ण के भाव में ही वो एक तरह से एब्जॉर्ब्ड है. उसके लिए डिस्ट्रैक्शन दूसरी मतलब दूसरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होना, मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा और एक तरह से वो भी शुद्ध भक्तों के स्तर पर ही ऑलमोस्ट वो है. तो मेरा प्रश्न ये है कि चूँकि हम लोग हमारे अंदर भी अनर्थ है और अनर्थों के कारण हम चाहे कोशिश भी करें कि हम कृष्ण भावना का प्रचार पूरे विश्व में करें या फिर जितना भी हो सके अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन अनर्थ हमें नीचे की ओर खींचते हैं. तो भले ही हम उस हिसाब से कृष्ण भावना भावित होने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो या फिर कभी किसी के लिए ज़्यादा भी होते वो अनर्थ हमें नीचे की ओर धकेलते. तो वो तो उस प्रकार से हो सकता है मोटिवेशन उसका अनन्य है, लेकिन कहीं और वो जकड़े जा रहा है, वो नीचे की ओर जा रहा है. तो वो किस प्रकार से हम समझें? तो जो हम सब में जो अशुद्धताएं हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वह हमारे प्रचार करने में व्यत्यय बन सकते हैं. तो वह प्रचार करने में व्यत्यय नहीं बनते, कहीं भी व्यत्यय बन सकते हैं ना. कोई प्रीचिंग करने जाता है तो वो अनर्थों से नीचे जा सकता है, पर वो ऑल्टर में हो सकता है, पुजारी रूम में हो सकता है, वहाँ पे भी अनर्थों से नीचे जा सकता है. जो अनर्थों के साथ संघर्ष तो हर जगह पर करना ही है. कोई धाम में रह के कोई पाश्चात्य देश में आते हैं, वहाँ पे आपको पतन हो सकता है, पर धाम में भी तो पतन हो सकता है. ऐसे नहीं कि हम इज इट दैट वन सर्विस इज सेफर देन अनदर सर्विस. नहीं, द सेफ्टी इज इन एब्जॉर्प्शन. और हमें देखना है कौन सी सेवा से हमको एब्जॉर्प्शन मिलता है. तो अभी कुछ भक्त है, उनको पुजारी की सेवा में या धाम में जाके सेवा करने में उसमें एब्जॉर्प्शन मिलता है. तो क्या उनको रोकना है तुम्हें ऐसे नहीं करना है? नहीं. कुछ भक्तों को प्रचार में एब्जॉर्प्शन मिलता है. तो अभी जब हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम भगवत धाम जाना है तो हमें प्रचार करना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है तो भगवत धाम नहीं जाएगा? जरूरी नहीं है ऐसे. अब अल्टीमेटली प्रभुपाद सेड व्हाट प्लीजेस मी इज इफ यू लव कृष्ण. तो हमें कृष्ण की ओर आकर्षण बढ़ाना है. तो अभी वो आकर्षण बढ़ाना है तो हम सबको प्रोटेक्शन जरूरी है. प्रोटेक्शन फ्रॉम अनर्थास. प्रोटेक्शन ही चाहिए हमको, बाद में प्यूरिफिकेशन भी चाहिए. पर वो आता कैसे है? वो एब्जॉर्बशन से आता है. दैट इज द ओनली अल्टीमेट प्रोटेक्शन. बाहर सर्कमस्टेंसेज में हम कुछ रूल्स बना सकते हैं, यू नो, समबडी शुड नॉट हैव टू मच मनी, फ्री कंट्रोल ऑन मनी, समबडी शुड नॉट हैव फ्री इंटरेक्शन बिटवीन द जेंडर्स. वो सब रूल्स हो सकते, जरूरी है. पर अल्टीमेटली अगर कोई चाहता है तो सारे रूल से वो मार्ग निकाल के जो है करना है कर सकता है. पर जो अल्टीमेट जो प्रोटेक्शन है वो एब्जॉर्प्शन में है. तो हमें एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा थ्रू सर्विस. तो अभी कौन सी सेवा से एब्जॉर्प्शन मिलता है वो हम सबको देखना है. तो प्रभुपाद जी का भाव था कि जो कृपाचार की सेवा कर रहे हैं उसमें भी एब्जॉर्ब है तो वो भी महान भक्त ही है. ऐसे नहीं कि वो इट इज नॉट अ साइन ऑफ प्रिलिमिनरी डिवोशन. तुम हमारे जैसे कृष्ण लीला में मग्न नहीं हो सकते हो इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, ठीक है, पर तुम नीचे के स्तर पे, ऐसे नहीं है. तो जो परिस्थिति के अनुसार जो सेवा जरूरी है वो सेवा करनी चाहिए. पर साथ साथ हम सब भी तो कुछ समय के लिए तो हम निकालते ही है ना. हम प्रचार नहीं कर रहे, हम एक राधाष्टमी का उत्सव हुआ तो हम राधा रानी पर फोकस कर रहे, कृष्ण पर फोकस कर रहे, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं. जैसे हमारा मूवमेंट भी अभी बढ़ रहा है तो ऐसे भी भक्त हैं जो आचार्य कमेंट्री पे बात करते हैं, जो हमारे जो गुह्य कृष्ण लीला के बारे में वर्णन है उसके बारे में बताते हैं. तो जिनको उसकी प्रेरणा है, जिनको उसमें रुचि मिलती है, उनको उस मार्ग में जाने के लिए भी मार्गदर्शन है, सुविधा है, सपोर्ट है. पर वही एक मार्ग है, सो बोथ एक्सट्रीम्स, कि प्रचार ही एक मार्ग है जिससे भगवत धाम जाएंगे, या प्रचार छोड़ के केवल कृष्ण कृष्ण में स्मरण करो उसी से आप भगवत धाम जाए, दोनों ऐसे जरूरी नहीं है. अल्टीमेटली हमें एब्जॉर्ब होना है. तो कैसे एब्जॉर्ब होगे वो व्यक्ति पे निर्भर है. Yes. किसी और को सवाल है? वेलकम बैक टू यू. एक और प्रश्न. वेलकम बैक टू यू, डोंट माइंड.
Hare Krishna Guruji. Thank you for a very powerful class and clarifying many of our misconceptions. So one of the thing, like you are explaining that how Srila Prabhupada has given us everything, and just by understanding Prabhupada books and everything, we can attain perfection. So if it is like, if Prabhupada has given everything, so how much is it necessary, or is it at all necessary for understanding other acharyas' literatures and commentaries for devotees in ISKCON if Srila Prabhupada books are not sufficient? That's the question. देखो, जब प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दिया है तो फिर पूर्व आचार्यों के ग्रंथ पढ़ना कितना जरूरी है. तो अभी ये दो दृष्टि से देख सकते हैं कि कृष्णा इनफाइनाइट है, तो किसी भी एक आचार्य के ग्रंथ में कृष्ण के बारे में सब कुछ कभी नहीं आ सकता है. तो जब प्रभुपाद जी ने कहा है, अभी प्रभुपाद जी ने कहा है आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, बट एवरीथिंग व्हाट मींस आई हैव गिवन एवरीथिंग टू गो बैक टू गॉडहेड. पर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है प्रभुपाद जी ने इस तरह से एक परमानेंट बैन कर दिया है, कोई भी किताब नहीं और पढ़ना चाहिए? नहीं, वी आर अ लिविंग ट्रेडिशन. तो अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों में सब कुछ है तो फिर प्रभुपाद जी ने भागवतम क्लास क्यों चालू किया? और भागवतम 1968 में पहली बार प्रभुपाद जी चले गए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे रिकॉर्डिंग मत पढ़ो, तुम क्लास दो. बहुत जल्द पहले से प्रभुपाद जी ने क्लास देने को बोला है. तो अभी क्या हम में से कोई भी प्रभुपाद जी इतना शुद्ध हो सकता है? नहीं, हम नहीं है. पर फिर भी तो फिर हम सब क्लासेस क्यों दे रहे हैं? हम सब जब भी प्रचार करना है सब प्रभुपाद जी के रिकॉर्डिंग को प्रचार कर सकते हैं. द पॉइंट इज वी आर अ लिविंग ट्रेडिशन, और हमारा ट्रेडिशन है वह एक पर्सनल ट्रेडिशन है. मतलब क्या है, प्रभुपाद हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड प्रभुपाद वॉन्ट्स ईच वन ऑफ अस टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा. तो हर भक्त का एक व्यक्तिगत संबंध भगवान से जोड़ना है. उसी तरह प्रभुपाद जी का है तो पूर्व आचार्यों का भी कृष्ण से एक व्यक्तिगत संबंध है, और जो उसके बाद में आने वाले उनका भी कृष्ण से व्यक्तिगत संबंध है. तो जो समहाउ ये जो बुक्स को एक स्पेशल कैटेगरी में हम डाल देते हैं, तो व्हाई पुट बुक्स इन स्पेशल कैटेगरी लाइक दैट? अभी प्रभुपाद जी ने कीर्तन साधक साधारण हरे कृष्ण धुन में एक धुन में किया है. तो टू बी फेथफुल टू प्रभुपाद इस्कॉन में फॉर ऑल टाइम टू कम, सब भक्तों ने कीर्तन हरे कृष्ण धुन प्रभुपाद की धुन में करना चाहिए, और नो अदर धुन इज अलाउड. क्या हम ऐसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी को कचोरी पसंद थी, तो सब भक्तों को कचोरी ही पसंद होनी चाहिए. और कोई कहता है नहीं मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है, यू आर अनफेथफुल टू प्रभुपाद. नहीं, ऐसे नहीं है. हम सबकी इंडिविजुअलिटी है, और प्रभुपाद जी खुद उन्हें कहा है कि अपने शिष्यों को कि एवरी डे राइट समथिंग, आपके साक्षात्कार लिखो. तो अभी जहां तक अपना लिविंग ट्रेडिशन है, मतलब प्रभुपाद जी ग्रंथ हमारे फाउंडेशनल है, पर प्रभुपाद जी के बाद जो भक्त आए वो ग्रंथ लिख सकते हैं, प्रभुपाद जी के पहले जो आए वो ग्रंथ लिख सकते हैं, उन्होंने लिखे है ग्रंथ. तो अभी हमें देखना है कि हमारे नरिशमेंट के लिए और हमारे प्रचार के लिए क्या हमारे लिए जरूरी है. तो कुछ भक्तों को कुछ स्पेशल इंटरेस्ट हो सकता है. तो अगर किसी को कृष्ण लीला के बारे में और जानना है, या अचिंत्य भेदावेद के बारे में कुछ और जानना है, तो अगर वो कुछ ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको रोकना जरूरी नहीं है. तो आवर फेथफुलनेस टू प्रभुपाद इज इन आवर फेथफुलनेस टू फुलफिलिंग द पर्पज ऑफ प्रभुपाद. कि हमारा जो प्रभुपाद के प्रति फेथफुलनेस है उसका क्या है, प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है. Faithfulness to Prabhupada means it's faithfulness to fulfilling his purpose. तो उनका क्या था, दो उद्देश्य थे एक तरह से. एक उद्देश्य है कि हमारा our devotion, कि हमारे भक्ति में वृद्धि हो, और क्या है, दूसरों में हम भक्ति लाए, प्रचार है वो. तो अभी ये दो उद्देश्य है, मतलब आर इनर ग्रोथ एंड आवर आउटर ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट.
तो अभी दोनों के लिए जो भी रिसोर्सेस हमें जरूरी है वो ले सकते हैं हम। तो अभी अगर कोई आजकल के समाज में क्या चल रहा है उसको हमको एड्रेस करना है, तो अभी अभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है आजकल समाज में, तो अभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को स्पिरिचुअल रिसोर्स कैसे देखना है? अगर वो हमारे आचार्यों ने उस प्रकार का प्रॉब्लम उस समय नहीं था तो डायरेक्टली नहीं लिखा है, तो इफ वो हमको प्रचार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि अच्छा कोई कोई भक्तों ने ऐसे कोई किताब लिखी है क्या। तो कैसे है कि हमारे सेवा के अनुसार, हमारे ज़रूरत के अनुसार जो भी रिसोर्सेज हमें ज़रूरी है वो लेने हैं। अगर हमको मंदिर बनाना है तो हम किसी एक्सपर्ट आर्किटेक्चर के पास जाएंगे या हम खुद आर्किटेक्चर की बुक पढ़ेंगे? क्या हम कहेंगे कि प्रभुपाद जी ने जो आर्किटेक्चर के बारे में उनकी किताब में बताया उतना ही पढ़ूंगा मैं और उसके अनुसार मैं मंदिर बनाऊंगा? नहीं, हम नहीं कर सकते वैसे। या फिर हमको विग्रहों की पूजा करनी, तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो फाउंडेशन है हमारे लिए, पर विग्रहों की पूजा के बारे में बहुत सी डिटेल्स है जो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में नहीं दिए है। तो अभी क्या वो सारे डिटेल्स को हमको पालन करना जरूरी है? डिपेंड्स, जरूरी नहीं हो सकता है, पर कुछ भक्त अगर करना चाहते, प्रभुपाद जी चातुर्मासी को ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया, प्रभुपाद ने भीष्म पंचक को ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया, पर अगर कुछ भक्त करना चाहते हैं तो वो गलत नहीं है, उसे भक्ति के अनुकूल ही है वो। पर क्या सबको करना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। तो कैसे है कि एक तरह से जो साध्य है हमारा, जो हमें प्राप्त करना है, हमें कृष्ण को प्राप्त करना है और कृष्ण को कृष्ण दूसरे को दिलाना है, तो जो हमारा साधन है, साधन जो है वो संबंध अभिधेय प्रयोजन होता है। तो संबंध ज्ञान फिक्स रहता है, प्रयोजन फिक्स रहता है, जो अभिधेय है वो हमेशा बदलते रहता है। मतलब अभिधेय मतलब क्या? जो किस तरह से हम हमारा मन भगवान पे एकाग्र करने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी उनके नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेक्चर में कहते हैं कि दिस होल कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज बीन प्रैक्टिकली इन्वेंटेड बाय मी। मैंने ये इन्वेंट किया कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट को। अभी प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैं पोस्टमैन के समय मैंने सिर्फ मैसेज भेजा है, मैंने एक शब्द को नहीं बदला है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट क्या है? एक पोस्टमैन के समान है या ये प्रभुपाद जी का इन्वेंशन है? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इन्वेंशन के बारे में? कहते हैं, ये कहते हैं कि कृष्ण भक्ति सामंत संतों में बताया कि कैसे मन कृष्ण निवेश है, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ये न के न प्रकार है ना। तो ये आचार्य की जिम्मेदारी है कि किस तरह से अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को मन कृष्ण में लगाने में मदद करें। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इस्कॉन में होता है वो पूर्व उस प्रकार से पूर्व आचार्य ने कभी नहीं किया है। गोस्वामी के यहाँ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, जो हो रहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा आइडिया है वो प्रभुपाद जी, इट्स माय इन्वेंशन। रथ यात्रा सारे विश्वभर के सड़कों पर करना, ये प्रभुपाद जी का इन्वेंशन है। तो इन्वेंशन थोड़ा प्रोवोकेटिव शब्द है, पर प्रभुपाद जी खुद वो शब्द इस्तेमाल किया है। तो मतलब क्या है कि जो अभिधेय है, किस तरह से मैं मेरा मन भगवान में लगाऊंगा, भगवान में मन लगाना है ये मेरा उद्देश्य, और वह हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों से पूरा स्पष्टता से पता चलता है। पर किस तरह से लगाना है? तो अगर कुछ भक्त को यह प्रेरणा मिलती है कि पूर्व आचार्यों के ग्रंथों से उसको मन अपना भगवान में ज्यादा लगता है, तो क्या प्रभुपाद नाराज हो गए उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी कुछ कंटेम्प्रेरी ऑथर्स जो है उनके ग्रंथों से हमको और अच्छे तरह से आजकल का समाज समझ में आता है और आजकल के समाज को कैसे प्रचार करना है और प्रचार करके उन लोगों को कृष्ण का मन लगाने में मदद कर सकते हैं, तो क्या प्रभुपाद जी उससे नाराज होने वाले? नहीं। जो अभिधेय है वह हमें हमारी सेवा के अनुसार निर्धारित करना पड़ेगा। तो अभी प्रभुपाद जी के जब थे तभी प्रभुपाद जी की शिष्या थी यमुना माता जी, उन्होंने एक रेसिपी का बुक बनाया, तो वो सारे रेसिपी उनको प्रभुपाद जी ने नहीं बताए, वो दिल्ली में गई, वो वृंदावन में गई, उन्होंने वहाँ के लोगों से मिले और उसके आधार पर बताया। तो क्या वो ज्ञान प्रभुपाद जी के ग्रंथों से नहीं मिला? तो जो अभिधेय जो है वो अलग अलग सेवाओं के लिए, अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग जगहों से मिल सकता है, पर प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमें साध्य जो है बिल्कुल स्पष्ट होता है और वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ
व्यक्ति के जरूरत के अनुसार हम जो बाकी ग्रंथ पढ़ सकते हैं. सो इज इट नेसेसरी? इट्स सर्टनली नॉट नेसेसरी. बट इज इट डिजायरेबल? ऑफ कोर्स. और किसके लिए कितना डिजायरेबल है, वो कितना अच्छा है, वो उसके व्यक्ति के अनुसार निर्भर है. इज आंसर द क्वेश्चन? थैंक यू. यस माता जी, और किसी का सवाल है? माइक कहाँ है? हरे कृष्ण प्रभु जी. गौरी और वैष्णव तो हम लोग माँ राधे का पूजा मतलब उनको मानते हैं, राइट? किसका? गौरी और वैष्णव में हम लोग इन जनरल माँ श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसको मानते हैं. पर ऐसा क्यों है कि साल में हम एक ही बार माँ राधे का बात करते हैं और मतलब हर बार कृष्ण का ही नाम लेने को बोलते हैं? ऐसा क्यों है? मतलब देखो, राधा रानी का जो भाव है तो हम उसका राधा रानी के बारे में सिर्फ साल में एक ही बार की बात करते हैं. साल में एक ही बार नहीं बात करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में भी राधा रानी आती है. हमारे साधारण मंदिरों में राधा कृष्ण का ऑल्टर होता है, राधा कृष्ण का वर्शिप होता ही है. पर उस तरह से हम देखेंगे तो अब कृष्ण के बारे में कितनी बात करते हैं ना. अगर हम भगवद्गीता कोर्स होता है हमारा पहले, उसमें हम कृष्ण के टीचिंग्स के बारे में बात करते, कृष्ण की लीला की बात नहीं करते. तो बेसिकली क्या है कि वॉट एवर हेल्प्स अस एब्जॉर्ब आवर माइंड इन कृष्ण, जो हमें हमारा मन को कृष्ण में लगाने के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करते हैं. तो भारत में खास करके ऐसा होता है कि जो भगवान की लीला जो है, इट कैन वेरी इजीली बिकम अ पायस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. जो है वो केवल एक सात्विक मनोरंजन बन जाता है. बहुत से लोग भागवत कथा में जाते हैं, भगवान कथा सुनते हैं, अच्छा है वो सुनते हैं, पर क्या उनके जीवन में उससे परिवर्तन आ रहा है? क्या उनके जीवन का उद्देश्य परिवर्तित हो रहा है? नहीं. अरे ठीक है, तुमको टीवी में मूवीज देखना अच्छा लगता है, मुझे भागवत कथा सुनना अच्छा लगता है, ठीक है. तो दैट इज योर चॉइस, दिस इज माय चॉइस. कह सकते हैं वो हर एक का चॉइस है, पर दोनों चॉइस का जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत अलग है. तो जो तत्वज्ञान अगर पता होता है तो क्या होता है, फिर जो एक गंभीरता आती है भक्ति में वह तत्वज्ञान के बिना नहीं आती है. तो क्या कृष्ण लीला से मनोरंजन हो सकता है? जरूर हो सकता है. पर क्या कृष्ण लीला मनोरंजन के लिए है? नहीं. वो इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर एनलाइटनमेंट. ना, एनलाइटनमेंट भी एंटरटेनिंग हो सकता है, पर एंटरटेनमेंट प्राइमरी नहीं है हमारे लिए. तो इसीलिए तत्वज्ञान भी समझना जरूरी है. तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं है, कृष्ण की लीलाएं है, राधा रानी की लीलाएं है, वह उचित फोरम पे बताते हैं, बात करते हैं. पर खास करके जो उसको बारे में मुझे बिल्कुल बात करने को समय नहीं मिला आज, जो परकीय भाव है वो बड़े आसानी से उसको गलत समझ सकते हैं. तो इसीलिए राधा रानी का जो लीला है उसको थोड़ा चौकन्ना, वी आर लिटिल कॉशियस, थोड़ा कॉशियस है उसके बारे में बात करने में. ओके, थैंक यू. यस फ्रॉम हरे कृष्ण. रिसेंटली इन आवर भक्ति शास्त्री क्लास वी आर हियरिंग अनलेस वी गेट वी डोंट गो थ्रू रागानुगा वी विल नॉट एंटर व्रज प्रेम. We may get other prema like Vaikuntha prema, but not through, without Raganubhakti, we don't go through, we don't reach there. Now, three categories mentioned. So, in that only one category, it seems, I mean, not one category, of course. I don't know anybody from there also, but if you could speak something on this. So, abhi Raganubhakti kiye bina hum Golok Vrindavan nahi ja sakte hain. Ye bataya hai, Bhakti Sama Sindhu mein aata hai. Par abhi, मैं जो बताता तीन कैटेगरी, मैं ऐसे नहीं बताता कि तीसरे कैटेगरी में जब जो स्वरूप सिद्ध है वही राग मार्ग में जा चुके हैं. मैं बताता कि ये जो पूरा प्रोसेस है भगवत धाम जाने का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स नॉट सो सिंपल ब्लैक एंड वाइट. तो कैसे है कि जो आचार्यों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को एम्फोसाइज किया है. चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि ये कलयुग में हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि आप दीक्षा के बिना भी सिर्फ हरिनाम लेके भगवतधाम जा सकते हो. स्पष्ट श्लोक है वो, पर अभी उस श्लोक का अर्थ क्या है, वो किस संदर्भ में बताया गया है. तो हमारे आचार्यों से हम समझते हैं कि हाँ, पर जो हरिनाम का जप करना है उसमें हमको प्रशिक्षण मिलना चाहिए. प्रशिक्षण गुरु से मिलता है हमको. तो भक्ति में कैसे होता है कि जब गुणगान होता है किसी चीज़ का तो जनरली वो अनरिजर्व्ड ग्लोरिफिकेशन होता है. ऐसे नहीं है कि किसी का गुणगान कर रहे हैं
तो मान लीजिए अगर कोई भक्त हमारे यहाँ पे आए हैं, तो वो भक्त अगर हम उनको परिचय दे रहे हैं तो उनका गुणगान कर रहे हैं, तो अभी उनका गुणगान करते समय उनकी कमियाँ नहीं बताने वाले, यू नो कि हाँ ये बहुत बड़े प्रचारक है, पर ये ना वो प्रचारक है, उनके इतने अच्छे प्रचारक नहीं है ये, वो सही हो सकता है पर तभी बताने की जरूरत नहीं है। जब हम गुणगान करते हैं तो उसी चीज का गुणगान करते हैं, दैट इज द जनरल मूड ऑफ डिवोशन। जैसे कि हर अगर आप हर स्थल पुराण को देखते हैं, आप वृंदावन जाओगे कि वृंदावन के महिमा के ग्रंथ है, वृंदावन ही सर्वश्रेष्ठ है। आप मायापुर जाओगे तो मायापुर ही सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या है जो है, जो जब गुणगान होता है किसी एक चीज का, जब एम्फोसिस होता है एक चीज पे, तो हमें उस एम्फोसिस को स्वीकार करना है पर उसको एब्सोल्यूटाइज नहीं करना है कि यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो मैं मायापुर ही सर्वश्रेष्ठ धाम है कलयुग में, तो वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी वृंदावन जा रहे वो चैतन्य महाप्रभु के श्रद्धा नहीं है उनको, इसलिए वहां पर जा रहे। वो चैतन्य महाप्रभु होते तो केवल मायापुर में आते और कहीं नहीं जाते थे। ऐसे ऐसा संकीर्णवाद की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो जो राग मार्ग से ही केवल ब्रजधाम जा सकते हैं वो भक्ति सनातन संतों में बताया है, पर हमारे आचार्य ने उस पर एम्फोसाइज नहीं किया है। भक्ति सनातन ठाकुर ने इतना एम्फोसाइज नहीं किया है, प्रभुपाद ने उतना एम्फोसाइज नहीं किया है उस पर। तो क्या वो एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है कि उस समय जब गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा, गोस्वामी के जो ग्रंथ है वो टाइमलेस है, पर वो इसी एक समय पर लिखे हुए हैं, तो उस समय पे जब लिखे हुए तभी जो राग भक्ति जो गौड़िया वैष्णवाचार्य कर रहे थे, जो चैतन्य महाप्रभु सिखाया था, दे वेर फोकसिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ डिवोशन। तो जो राग मार्ग है वह गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु के कृपा के अनुसार वो बताया है। तो क्या इसका मतलब है कि इसके पहले जो राग मार्ग उन्होंने बताया और राग मार्ग बताने के बाद जो उन भक्तों ने उसका पालन किया, क्या केवल वे ही कृष्ण के पास गए? क्या उसके पहले कोई भी कृष्ण के पास नहीं गया है? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर क्रिश्चियनिटी। जब क्रिश्चियंस कहते हैं कि जीसस से ही भगवान के पास जाते हैं लोग, तो जीसस के पहले लोग भगवान के पास कैसे गए? तो उनको क्योंकि जीसस के पहले कोई भी भगवान के पास नहीं गया। वैसा हमको फेनाटिकल नहीं बनना है हम जब इस बात कर रहे थे। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, but it is not we don't have to absolutize that statement in all contexts. To hamare acharya ne usko emphasize nahi kiya, to hum bhi emphasize nahi kar sakte. Alag alag uska artha bataya gaya hai, to ek artha ek usko is tarah samajh sakte hai ki ultimately raag marg mein kya hai, ki keval raag bhakti nahi hai, ki ek mahaan jo bhakt hai unka jo bhav hai us bhav ke anusar hum seva karte. To raagatmik jo bhakt hote hai to uske wo जो जिस राग में वहां पे है वृंदावन में उनके भाव में हम सेवा करते हैं। तो अभी जो गोस्वामी गण थे, गोस्वामी गण क्या वो ललिता विशाखा के भाव में वृंदावन में सेवा कर रहे थे? उनका भाव था, पर वो सेवा किस भाव में कर रहे थे? वो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, संन्यास लेके जो शास्त्रों का प्रचार करना था, शास्त्रों का लिखन करना था, उस भाव में कर रहे थे। जो तो उसी तरह से अगर हम प्रभुपाद जी के भाव को अनुशीलन करते हैं और प्रभुपाद जी के भाव के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं, तो एक तरह से जो राग भक्ति का एसेंस है वह हम कर रहे हैं। कि मतलब राग भक्ति का क्या एक है कि स्पॉन्टेनियस डिवोशन, बट इट्स नॉट जस्ट स्पॉन्टेनियस डिवोशन, वो स्पॉन्टेनियस फॉलोइंग द मूड ऑफ अ डिवोटी सिचुएटेड इन स्पॉन्टेनियस डिवोशन। तो राग भक्ति का मतलब है कि जो ब्रज में जो राग भक्ति में स्थित है वृंदावन में, उनके भाव के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं। तिष्ठम ब्रजेत तद अनुगामी जनानुगामी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी तिष्ठम ब्रजेत, हमेशा वो ब्रज भाव में ही थे वो, और उनके भाव के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि राग भक्ति को हम एक ही रूप में देखना है। तो एक तरह से अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं तो हम एक तरह से राग मार्ग का भी पालन कर रहे हैं। ओके लेट मी नो व्हेन टू स्टॉप। हरे कृष्ण प्रभु, आई वांटेड टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट।
So what I understood from your discussion is that the deity incarnation of Lord Archa Vigraha, it is Lord manifesting in a material form, or like God is there in the deity. So I'll put, you didn't exactly tell like that, but yeah. So what I have read and heard in Prabhupada lectures and books, I'll put various statements and you can wrap it around in explainable way. So one thing is, Prabhupada says that God is not in the deity, God is deity. Another statement is where it comes to description of spiritual body of Rishabhdev. There one sloka comes where he says that something like Mam Durvibhavam, that this body of mine is very difficult to understand, Rishabhdev says. And there Prabhupada also mentioned that, you know, how body of spiritual master is also not considered material. And another somewhere in purport of Bhagavad Gita, I read that matter is forgetfulness of Krishna, and when matter is engaged in Krishna's service, it again regains its spiritual form. So, and another thing is, we see that in the beginning of creation, everything came from Brahma. So, came from Garbhodakshaya Vishnu, who was spiritual. So it was said that everything is spiritual in that sense. So what understanding I had previously was that everything is spirit, but forgetfulness of Krishna by covering of this consciousness, it becomes matter, and again it may become spiritual. But what understanding I got from today's class is that matter and spirit are different, and then matter cannot become a spirit, but it has some qualities of spirit. तो मैं आपका सवाल दोहराऊंगा नहीं. ओके, पर तो जो मैटर और स्पिरिट में क्या संबंध है एक तरह से, अभी स्पिरिचुअल मटीरियल जो भेद है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें किस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, किस संदर्भ में, वो समझना जरूरी है. क्या होता है, उसी एक शब्द को अलग अलग अर्थ से अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर होता है. तो कोई माँ अपने बच्चे से कहती, डोंट हिट द बैट विथ योर बैट, हिट द बॉल विथ योर बैट. तो बैट मतलब क्या, बैट एक इंसेक्ट होता है, जानता है, जानवर होता है, उसको मत मारो आप अपने बैट से, आपके बैट से आप बॉल को मारो. तो बैट इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं. कोई पिता अपने बच्चे से, इफ यू ड्रिंक अ पंच यू विल गेट अ पंच. पंच नाम का एक ड्रिंक होता है, अगर आप वो पीते हैं तो मैं आपको मारूंगा. पंच नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए आपको, ठीक है. तो स्पिरिचुअल और मटीरियल, या स्पिरिट और मैटर शब्द है, उसको दो अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है. प्राइमरी अनेक है पर दो प्राइमरी है. एक है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, जो भौतिक है वो भौतिक तत्व से बनाया हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर वो बनाया हुआ, और जो स्पिरिट है वो सत चित आनंद है. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है कॉम्पोजिशन में, कि जो स्पिरिट है वह भौतिक तत्वों से नहीं बनाया, अर्थ वाटर फायर ईथर से नहीं बनाया. जो भूमि रापो नल वायु जो है वो काल के प्रभाव में होते, कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रति, उनका नाश होता है, वो क्षर है, वो अक्षर नहीं है. तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, जिससे बनाया हुआ है, उसमें मैटर और स्पिरिट में क्लियर डिफरेंस है. तो कॉम्पोजिशन के दृष्टि से देखें तो हम इसमें भेद पे जोर देते हैं, पर जब एप्लीकेशन आता है तो हम अभेद पे जोर देते हैं. जो अचिंत्य भेदाभेद जो है वह हर जगह पे आता है. तो भी हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं साउंड सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साउंड सिस्टम क्या है, ये हम कृष्ण के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अभेद है. तो ये कृष्ण इज अ स्पिरिचुअल, प्रभुपाद जी कहा करते हैं. तो वो अभेद पे जोर दे रहे हैं अभी. तो कभी कब अभेद पे जोर देना है, कब भेद पे जोर देना है, वह संदर्भ पे निर्भर होता है. तो इन जनरल प्रभुपाद जी का भाव था कि वो अभेद पे ज्यादा जोर दिया करते थे. तो विग्रह जो है वह प्रभुपाद जी अभेद पे ज्यादा जोर दिया करते थे, कि कृष्णा, इट इज नॉट दैट द कृष्णा इज इन द डीटी, कृष्णा इज द डीटी. मतलब क्या, कृष्णा ही विग्रह है, सही है वो. पर प्रभुपाद जी भी जब विग्रह को इंस्टॉल करते थे, प्राण प्रतिष्ठा करते थे, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है
एक तरह से हम भगवान को उसमें बुला रहे हैं। तो अगर भगवान है ऑलरेडी तो बुलाने की क्या जरूरत है। तो क्या है कि अगेन एक स्टेटमेंट को लेके एब्सोल्यूटाइज नहीं करना है हमको। हम कहते हैं कि हरि नाम और द साउंड ऑफ द होली नेम एंड द होली नेम दे नॉट डिफरेंट, और कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, हम कहते हैं तो कृष्णा उनके नाम में कुछ फर्क नहीं है। पर फिर भी आचार्यों ने बताया कैसे कि अलग अलग स्तर के नाम होते हैं, शुद्ध नाम होता है, अपराध नाम होता है, नामाभास होता है। तो कृष्ण हम कह सकते हैं कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है, पर वो कृष्ण और उनके नाम का जो अभिन्नत्व है वह हम किस हद तक महसूस कर सकते हैं वो हम पे निर्भर है। तो अभी मैंने ये इस पर पूरा किताब लिखा आइडियल वर्शिप और आइडियल वर्शिप खासकर के विग्रहों के आधार पर। तो वही आचार्यगण बताते हैं, खासकर श्री वैष्णव आचार्य में इसमें इसका वर्णन हुआ है कि अगर कोई डीटीज डैमेज हो जाती है, डीटीज को डेसिक्रेट करते, कोई म्लेच्छ यौवन लोग आते हैं वो मंदिरों में कुछ कर देते हैं उसको, तो तभी क्या होता है, क्या कृष्ण को नाश कर रहे हैं वो? नहीं, जो कृष्ण डीटी से मैनिफेस्ट हो रहे हैं वो कृष्ण खुद को अनमैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से भेद है, एक तरह से अभेद भी है। तो कौन से चीज़ को कब एम्फोसाइज करना है वो संदर्भ पे निर्भर होता है। भारत भर में भी गणेश पूजा होती है, तो गणेश पूजा में क्या होता है कि या आविर्भाव या आरोहण होता है और फिर निवारण या तिरोभाव होता है। मतलब क्या होता है, जब विग्रह आते हैं तो अभी कुछ गणेश पूजा में करते नहीं है वैसे, पर वो एक तरह से होता है कि जब विग्रह आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्थाई और अस्थाई विग्रह कहते हैं। साधारणतः हमारे वैष्णव संप्रदाय में स्थाई विग्रह होते हैं। स्थाई विग्रह मतलब एक बार हमने भगवान को बुला लिया तो भगवान को हम शाश्वत काल तक पूजा करते हैं। पर अस्थाई विग्रह भी होते हैं, मतलब क्या है, कुछ समय के लिए हम भगवान को बुलाते हैं, पूजा करते हैं, जैसे 7 दिन 8 दिन 15 दिन की सेवा करते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, उन विग्रहों को हम जल संस्कार कर देते हैं। साधारणतः जो है गणेश जी के विग्रह उनको पानी में डाल देते हैं। तो अभी वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसे है, उस पर इतना जोर नहीं दिया गया है, पर यह है कि जो विग्रह में हम भगवान को बुलाते हैं और फिर साधारणतः जब वो जो जल समर्पण करते हैं उसके पहले भगवान को तिरुभाव होता है कि भगवान आप अपने हमसे सेवा स्वीकार की, धन्यवाद, अभी आप जा सकते हैं, और फिर बोल के उसका तिरुभाव करना। कभी अभी लोग बिना वैसा किया जैसे पानी में डाल देते हैं, वो उचित नहीं है इतना अच्छी तरह से। पर पॉइंट यह है कि ये इट्स अ एलैबोरेट सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिशन। तो प्रभुपाद जी साधारणतः अभेद पे एम्फसाइज करते हैं, पर कई जगह पर प्रभुपाद जी भेद के बारे में बोला है, तो ऐसे नहीं कि नहीं बताया प्रभुपाद जी ने। और फिर अभी कौन सब चीज़ भगवान से आ रहा है, इसलिए क्या इसलिए सब कुछ स्पिरिचुअल है, वो इट डिपेंड्स किस भाव में आप बात कर रहे हैं। क्या कि सब चीज़ भगवान से आ रहा है मतलब उसका सोर्स स्पिरिचुअल है, पर जो फंडामेंटल टीचिंग है कि जगत और आत्मा, जगत और जीव अलग है, जो भेद है यह हमारा एक महत्वपूर्ण भेद है हमारे फिलॉसफी में, कि जो 5 तत्व बताए गए हैं कि जीव ईश्वर काल कर्म प्रकृति जो बताए गए हैं, तो अभी जब इस जगत में मैनिफेस्ट होता है तो भेद होता है। जैसे जो प्रधान होता है वो अनमैनिफेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, प्रधान में कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, पर जब प्रधान प्रकृति के रूप में आता है, प्रकृति में भूमि अल्पो नलो वायु है, वो फर्क है उसमें। तो उसी तरह से जो मैनिफेस्ट जो प्रकट अवस्था में होता है तभी जो अलग अलग तत्व है उनमें फर्क होता है, और वो हम किस तरह से देखते हैं, हम हमारे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है उसके अनुसार देखते हैं। जो भक्ति जिसमें हम भक्ति का पोटेंशियल देखते हैं उसको हम वैल्यूएबल मानते हैं, जिसमें भक्ति का पोटेंशियल नहीं देखते उसको हम इतना वैल्यूएबल नहीं मानते हैं। तो वी सी इट इन टर्म्स ऑफ, दूसरा एप्लीकेशन है कि क्या इसको कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और न केवल इसको कृष्ण, इस चीज़ को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते, इस चीज़ को क्या मैं कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जितना भी निर्भर है, चाहे बहुत सी धन संपत्ति है अगर हमें मिल जाएगी तो हम कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर धन संपत्ति मिल जाएगी शायद उससे हमको ऐशो आराम करने की इच्छा हो जाएगी, तो हम कितना कर सकते हैं हमारी क्षमता भी देखनी है हमको। तो क्या इज ऑल मैटर स्पिरिचुअलाइजेबल, वेल क्या सब भौतिक चीज़ें को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं,
नहीं, क्या कोई मांस खा के भी कृष्ण भावना में हो सकता है? वेल, प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर आप ऐसे देश में प्रचार कर रहे हैं जहाँ पे शाकाहारी अन्न मिलता ही नहीं है, तो ईट मीट बट प्रीच, प्रभुपाद जी ने कहा है कि तभी आप उस समय अगर ज़रूरत पड़े तो मांस भी खा सकते हैं, पर साधारणतया मांस जो है वो प्रतिकूल है भक्ति के लिए। तो इसीलिए जो मटीरियल स्पिरिचुअल का डिफ्रेंसिएशन है उसमें जाएंगे तो जो है वो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। तो मटेरियल स्पिरिचुअल का डिफरेंशिएशन करने की जगह पे फेवरेबल अनफेवरेबल का डिफरेंशिएशन कीजिए कि मेरे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, मेरे भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है। वो जो एनालिसिस है वो कूल है, दैट इज ईजियर, अदरवाइज उससे आपका दिमाग कूल हो जाएगा, नहीं तो आपका दिमाग हॉट हो जाएगा और बहुत कन्फ्यूजिंग होता है समझना। आई डोंट थिंक इसका एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। See, find the understanding that helps you and move forward. Okay? Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। One question? Yes. अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु, फ्रॉम टुडेज क्लास एक क्वेश्चन मेरा है। आपने बताया कि हमारे जो आचार्य है वो एक्सटेसी को उतना महत्व नहीं देते थे बिकॉज इट कैन बी इमिटेटेड। सो यू टॉक अबाउट सम अदर सिम्टम्स विच आर रिलायबल। सो फ्रॉम दिस क्लास कैन आई कम टू द कंक्लूशन के इफ समबडी समवन इज हैविंग रियल एक्सटेसी ही विल हैव दिस रिलायबल यू नो सिम्टम्स एज वेल, और इफ someone which who is having reliable ecstasy reliable symptoms which you talk about wo ecstasy mein nahi bhi ho sakta hai. Acha sawal hai aapka ye ki main ek aur class de dunga iske liye. Nahi, try to keep it short. Kaise hai एक्सटैटिक सिम्टम्स है, और प्योर डिवोशन है, शुद्ध भक्ति है। तो हम जानते हैं कि शुद्ध भक्ति जब होती है तो एक्सटैटिक सिम्टम्स होते हैं, पर शुद्ध भक्ति जब होती है तो जो कॉन्स्टेंट सिम्टम्स भी होते हैं। ये बताया था कि जो कांस्टेंट सिम्टम्स जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो अभी क्या ऐसे शुद्ध भक्त हो सकते हैं जिनमें एक्सटैटिक सिम्टम नहीं दिख रहे? जरूर हो सकता है, पर क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो अगर कोई एक्सटैटिक सिम्टम दिखा रहा है तो उनका एक्सेस सही नहीं है? ये जरूरी नहीं है। ऐसे है कि इवन What is the opposite of pure devotees? Impure devotees? Nahi. Okay. Mixed devotees. Okay, that's better. Jo mixed devotees hai, kabhi kabhi wo bhi ecstatic symptom dikha sakte hai. Nahi dikha sakte, prakat ho sakte hai unme. Aise hum koi rule nahi bana sakte hai ki shuddha bhakt mein hi ecstatic symptoms aayenge. To hame kya karna hai? वी आर नॉट आउटलॉइंग एक्सट्रा सिम्टम्स। तुम्हें एक्स्ट्रा सिम्टम आ गए, तुम सहज जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चलो, ऐसे बात नहीं है। यह हम यही कह रहे हैं कि केवल एक्स्टैटिक सिम्टम्स दिख रहे हैं यह पुरावा नहीं है कि आप शुद्ध भक्त हो। तो डोंट सी एक्स्ट्रा सिम्टम्स जो एक्स्ट्रेसी के लक्षण है उनको ही शुद्ध भक्ति का एकमात्र लक्षण मत मानो। क्या दूसरे लोगों में कभी कभी आ सकता है, कभी हम बहुत अच्छा कीर्तन होता है, बहुत अच्छा प्रवचन सुनते हैं तो शायद हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, कभी कभी हमारे आंखों से भी आंसू आ सकते हैं, तो आ रहे हैं तो क्या उसको क्या गलत नहीं बोलना है हमको? हमें उसको दिखावा नहीं करना है, या हमें नहीं सोचा कि अभी मेरे आंखों से आंसू आ गए, अभी मैं शुद्ध भक्त बन गया, सबको मुझे दंडवत करना चाहिए। नहीं, ऐसा भाव नहीं रखना है हमें। पर द मेन थिंग इज व्हेन एक्स्टैटिक सिम्टम्स वर इक्वेटेड विद प्योर डिवोशन, तो तभी प्रॉब्लम आ गए। तो प्योर डिवोशन हमको जरूर चाहिए, एक्सटेटिक सिम्स आ रहे तो भी अच्छा है, बट हमें क्या देखना है कि वी डोंट वांट टू बी मिसलेड एंड वी डोंट वांट टू मिसलीड अदर्स। हमें दूसरों को गुमराह नहीं करना है, खुद भी गुमराह नहीं होना है। इज इट क्लियर?
थैंक यू. श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे.